नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं रमन मिश्रा आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, लोअर प्री परीक्षा जितने भी ये अभ्यर्थीगण पास कर चुके हैं, मेंस के लिए टीम ने एक बहुत अच्छा बैच आप सभी के लिए डिजाइन किया है। उसी के संबंध में इस समय आपको सारे डेमो लेक्चर्स दिए जा रहे हैं कि कौन सी विषय कितनी गहराई तक किस हिसाब से आपको पढ़ाई जाएगी, किस रणनीति के तहत। तो जो लोग अभी तक इस प्रोग्राम से नहीं जुड़े हैं, क्योंकि भैया मेन से कांटे की टक्कर है, सारे लड़के वो हैं जो छन के आए हैं प्रीलिम्स में, जो आपके एक स्टेज को क्वालिफाई करके आए हैं। यानी मौका आपके लिए वो है कि आपको हर एक क्वेश्चंस के लिए बहुत अच्छे से फाइट करनी है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में टीम ने फुल कोर्स का जो बैच चलाया है, उसी में आपको अभी तक जैसे इसमें हम 100+ टेस्ट आपको दे रहे हैं, लगभग 100+, यानी हर दिन आपको कहीं ना कहीं टेस्ट के तौर पर प्रैक्टिस करना। उसी के संदर्भ में आपकी क्लासेस भी हैं जो फुल नोट्स फुल कोर्स है। आज हिंदी व्याकरण की क्लासेस के तौर पर मैं डेमो लेक्चर्स के तौर पर आपके सामने हूं कि हिंदी को कैसे कैसे हम लोग पढ़ेंगे। क्लासेस सारी उपलब्ध है, सारे लोग देखिए। और उसके बाद जो है परसों से पूरा बैच प्रारंभ हो रहा है, तो कल आपके पास अंतिम एक विकल्प है, आप सारे लोग एडमिशन ले सकते हैं और बिना किसी संकोच के, क्योंकि टीम एक निश्चित दिशा में और बहुत ही अच्छे तरीके से आपके सामने हर एक चीजों को उपलब्ध कराएगी, जिससे कि सिलेक्शन के आप बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाएंगे और वो करीबी आपको फाइनल सिलेक्ट जो है सिलेक्ट करवा ही देगी। तो बिना कुछ देर किए भी आप टेस्ट सीरीज प्रोग्राम से और दूसरी चीजें जो टीम के द्वारा चलाई जा रही है फुल कोर्स से जुड़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं। हिंदी व्याकरण जो आपके सिलेबस में, हिंदी की उपयोगिता क्या है, क्या कैसे है, कोई भी प्रोसीजर आपको कुछ भी पूछना जाँचना है, तो आप उसके लिए दिए गए नंबर्स पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं कि कैसे हम इस बैच से जुड़ सकते हैं। आज हम जो आपसे बात करने जा रहे हैं, जिस विषय में मैं आगे आपको सारी चीजें पढ़ाऊंगा, पहले उस विषय की उपयोगिता को समझते हैं और मेंस में जो आपकी फाइट है उसको उसके अनुरूप एक रणनीति को देखते हैं। हिंदी व्याकरण की अगर बात किया जाए तो हिंदी व्याकरण आपके मेंस में जो आने आएंगे, मतलब इससे आने के जो प्रश्न है, वह प्रश्नों की संख्या आपके 25 होगी, 25 प्रश्न होंगे। ठीक है, अब इस 25 प्रश्न में हमें यह देखना है कि किस हिसाब से UPSSC ने 19 में परीक्षा करवाई है, कितने आपके इस पाठ्यक्रम में मेंस में कैसे कैसे जो है आपके पॉइंट जिक्र किए गए हैं। ठीक, पाठ्यक्रम के अनुरूप हमें किस रणनीति को पालन करना चाहिए, क्योंकि यहां पर जरूरी है अगर एक क्वेश्चन जो विषय, चूंकि हिंदी का सिलेबस आपका छोटा है और छोटे पाठ्यक्रम से अगर आसान पाठ्यक्रम से अगर कोई गलती आप करते हैं तो वह आपके लिए मेंस में बहुत ही घातक कदम होगा। इसीलिए जो आपके छोटे बिंदु हैं, जहां से मार्क्स आप 25 में 25 प्रश्नों को कर सकते हो, उनके लिए क्या बेहतर रणनीति होनी चाहिए, सबसे पहले तो आप पाठ्यक्रम को जानिए, पाठ्यक्रम की गहराई को जानिए। और गहराई को जानने के लिए आपको क्या करना है कि 19 में जितने पेपर कराए गए हैं उन सारे पेपरों का अध्ययन करना है कि किस पेपर में कहां किस बिंदु से किस चैप्टर से कितना गहराई से सवाल उठाया है, उस जो है गहराई का हमें अंदाजा लगाना है। उसमें टीम की तरफ से मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, हम आपको वह बिंदु यहां क्लासेस के तौर पर उपलब्ध करवाएंगे, साथ ही साथ जो कुछ क्लासेस के अलावा बचता है कि हाँ इस बिंदु को भी आपको जानना चाहिए, उन सारी बिंदुओं को हम नोट्स में पूरा कवर कराएंगे। तो नोट्स और क्लास के माध्यम से, उसके बाद टेस्ट के माध्यम से हर एक चीजें बहुत विधिवत यहां पर पूरी कंप्लीट होंगी। हिंदी व्याकरण की उपयोगिता क्यों महत्वपूर्ण है मेंस की दृष्टिगति, मेंस की दृष्टिगत अगर हिंदी की बात करते हैं तो सबसे छोटा और सबसे आसान पाठ्यक्रम हिंदी विषय का है। हिंदी विषय में अगर कोई प्रश्न गलत होता है तो यह मान के चलिए कि वह आपको कहीं ना कहीं नीचे की ओर धकेलना प्रारंभ करेगा, और टक्कर जब कांटे की हो तो वहां पर हम यह नहीं सोचते हैं कि किस चीज को अभी हम इग्नोर करके बाद में कवर कर सकते हैं। यहां पर वह देखना है, आपकी रणनीति एक सही होनी चाहिए और दिशा जो होनी चाहिए उस दिशा के पर पकड़ आपकी मजबूत होनी चाहिए, कहीं भी बीच में भटकाव नहीं लाने देना है। ठीक है, पद बहुत अच्छे अच्छे हैं, ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि यूपीपीसीएस मेंस, अभी तक यूपीपीसीएस आपका यह करवाता था अपर,
लोअर की सारी वैकेंसी को, अगर SSSC के हाथ में आई है तो प्रश्नों में कहीं ना कहीं यह खेल करेगा। स्पष्ट रूप से आपके पाठ्यक्रम में लिखा हुआ है मुख्य परीक्षा के कि प्रश्नों के स्तर में जो है थोड़ा बदलाव देखने को मिलेंगे, उच्च स्तर के प्रश्न होंगे। तो यहां पर जो हिंदी व्याकरण मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा, हिंदी व्याकरण में उन जो है सारे मुद्दों को मैं समाहित करूंगा, उन सारे बिंदुओं को मैं बात करूंगा जहां से किसी विषय पर TCS संस्था जो आपकी है परीक्षा में जो है प्रश्नों को उठाती है। कोई भी बिंदु है, प्रश्नों की गहराई, भाई हिंदी इतनी आसान नहीं है जितना कि हम समझते हैं। हिंदी में बहुत अच्छे अच्छे लोग इसमें, अब उन लोगों के साथ थोड़ा सा चैलेंजिंग है जो लोग आपके, मान लीजिए कि उन्होंने हिंदी पर अभी इतना फोकस नहीं किया है, मैथ्स और साइंस ठीक है, रीजनिंग के बल पर उनके ये पोर्शन बहुत स्ट्रांग है, तो वहां पर जिन लोगों के हिंदी आपके थोड़ा कमजोर होते हैं, हिंदी थोड़ी कमजोर होती है, वहां पर उन्हें थोड़ा डर लगने लगता है। लेकिन आप एकदम पूरे तरीके से आत्मविश्वास के साथ टीम के साथ जुड़े हैं तो 100% आपको कहीं भी हिंदी में दुविधा नहीं होगी। जितना मैं पढ़ा दूंगा और जितना मैं नोट्स दे दूंगा उससे हिंदी बाहर नहीं होगी। नोट्स का मतलब यह नहीं कि मैं आपको पूरी की पूरी एक गाथा उठा के दे दूंगा कि महाभारत है इसको पढ़ डालो। नोट्स एक सटीक वे में दी जाती है। यहां टीम आपके डायमेंशंस को तय करेगी कि हम आपके पूरे के पूरे डायमेंशंस को यहां चारों तरफ से बांध देंगे कि इस दायरे में रहकर आपको काम करना है। और आप प्रीलिम्स स्टेज क्वालिफाई सारे लोग करके आए हैं तो मेंस में कहां तक आपको जाना है, किस विषय के किस गहराई को ही छूना है, हर विषय में गहराई तक नहीं जाना है, इन सभी पर हम आप लोग आगे आपको मार्गदर्शन के तौर पर मिलते रहेंगे। तो जो विषय जिस टीचर की है वह विषय उस टीचर के नजरिए से, लोअर के नजरिए से। अब हिंदी अगर इससे लोक सेवा आयोग की दृष्टिगत देखें, लोअर का पेपर जो होता था, और UP SSSC के अनुसार देखें, यहां UP SSSC के अनुसार जो हिंदी आपसे पूछ रहा है यहां हिंदी ज्यादा कठिन है। तो हिंदी के पाठ्यक्रम में देखें जो चीजें हमें पढ़नी है, अगर आपके पाठ्यक्रम में देखा जाए सबसे पहली चीज होती है, भैया मैं बार बार बोलता हूं कि किसी भी परीक्षा को अगर आपको वहां पर एक सीट उसमें पक्की करनी है तो सबसे पहले उसमें जितने पाठ्यक्रम दिया जाता है उसकी हर एक विषय जो है बिंदु की गहराई को समझिएगा। अगर आप उस विषय के जितने भी आपके बिंदु हैं, जैसे हिंदी विषय है तो हिंदी विषय के अंतर्गत वह कितने बिंदुओं से सवाल पूछता है यह जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सफलता का पहला मार्ग होता है कि हमें अपनी आधार को ठीक है कहां से शुरू करना है और उच्चतम जो शिखर है वो कहां तक छूना है, इस बात को बहुत अच्छे से जानना चाहिए। ठीक है, हमें ऐसा नहीं कि हिंदी आना है, अब हिंदी के पाठ्यक्रम में UP SSSC जो है इसका पाठ्यक्रम दूसरा है और हिंदी में अन्य जो संस्थाएं परीक्षाएं करवाती हैं उनका पाठ्यक्रम दूसरा है। UP SSSC के अनुसार लोअर मेंस का जो आपका पाठ्यक्रम है, लोअर मेंस में आपसे यह हिंदी व्याकरण के परिप्रेक्ष्य में बात करेगा। ठीक है, जितनी चीजें मैं बता रहा हूं, अभी भी जो लोग प्रोग्राम से नहीं जुड़े हैं, कोई भी चीजें सोच रहे हैं, भैया ऐसा मौका जिंदगी में नहीं आएगा, पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ टीम मेहनत कर रही, 100+ टेस्ट दे रहे, मतलब इतनी प्रैक्टिस करवा देंगे, उसकी व्याख्या आपकी हर दिन डिस्कशन के लिए ग्रुप अलग से ओपन होगा, जो कुछ पूछना है उसमें पूछिए, साथ ही साथ आपको बहुत सारगर्भित हम नोट्स दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बीच बीच में जैसा गाइडेंस होगा, टीम का हर एक सदस्य आपको वीडियो लेक्चर के माध्यम से पूरे सिलेबस को कहां तक कवर करना है उस पर बात करेगा। तो बिना किसी संकोच के एकदम निश्चित सफलता के लिए टीम के साथ जुड़िए, और टीम अपने आप में, इससे पहले भी परीक्षा प्लस ने जितने कोर्सेज करवाए, आप हमारी टेस्ट सीरीज वगैरह को दिए हैं, आप जानते हैं कि हम किस क्वालिटी पर हैं। TCS के पूरे पैटर्न पर अगर कोई खरी उतरती है तो वह चैलेंजिंग टीम है परीक्षा प्लस। यहां पर पाठ्यक्रम में लोअर मेंस के हिंदी को पाठ्यक्रम, क्योंकि पाठ्यक्रम बहुत जरूरी होता है, पाठ्यक्रम में अगर देखा जाए तो सबसे पहली चीज आती है, इसने पाठ्यक्रम के तौर पर जो आपसे मेंशन किया है, हिंदी भाषा या साहित्य का ज्ञान या इतिहास। ठीक है, साहित्य का इतिहास। दूसरी चीज, सबसे मुख्य बात आपको यह जाननी है कि UP SSSC के जो हिंदी का पाठ्यक्रम है, यह हिंदी के पाठ्यक्रम को नाम क्या देती है, यह हिंदी के पाठ्यक्रम को नाम देती है हिंदी परिज्ञान एवं लेखन क्षमता। हिंदी परिज्ञान एवं लेखन क्षमता, यानी यहां दो चीजें आपकी आती हैं। लेखन क्षमता का अर्थ यह हुआ कि आप किसी भी अगर विभाग में हैं
तो वहां पर पत्राचार हुआ, तो पत्राचार से संबंधित आप क्या जानते हैं? यहां पर आपको अर्धशासकीय शासकीय पत्र, ठीक है, समस्याओं से संबंधित पत्रों के बारे में, किसको हम लिखेंगे, अधिकारी के बारे में, इन सभी के बारे में जानना होता है, यानी लेखन क्षमता से सवाल पूछे जाते हैं। दूसरी चीज, लेखन क्षमता के अंतर्गत ही आपका, अगर उसको देखें तो व्याकरण में भी मान सकते, लेकिन अपठित गद्यांश इसमें हिंदी परिज्ञान, मतलब हिंदी के बारे में आपको पूरी तरीके से जो है वो होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, ठीक। तो यहां पर दो चीजें इसमें आती हैं, एक तो लेखन क्षमता से सवाल पूछता है और दूसरी चीज हिंदी परिज्ञान से। हिंदी परिज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से है, सबसे पहला पॉइंट इसने दिया है कि हिंदी भाषा या साहित्य का इतिहास। भाषा, हम हिंदी भाषा को पढ़ेंगे तो हिंदी भाषा कहां से कैसे कैसे आज हमारे सामने एक परिनिष्ठित रूप में है, तो ये इसका इसमें बीच में कैसे कैसे शुद्धता आई, कैसे कैसे संशोधन हुआ, किन किन आपके महारथियों का इसमें योगदान हुआ, कौन कौन से लेखकों ने, कैसे कैसे आलोचकों ने किस किस विधाओं में रचना की और कैसे कैसे परिष्कृत रूप दिया आज के हिंदी को, इसका एक बहुत लंबा इतिहास है। उस पूरे इतिहास को हमें जानना होता है, क्योंकि यहां से सवाल लगभग आपके लगभग 3 से 4 प्रश्न आपके पूछे जाने की पूरी संभावना होती है, प्रबल संभावना होती है। इसी में हिंदी भाषा के अंतर्गत पूरे भारत को अगर हम विभाजित करें तो बोलियों का कैसे कैसे क्रम रहा, वह भी इसी के अंतर्गत आपका आता है। तो हिंदी भाषा या साहित्य का इतिहास, उसके बाद यह सबसे नीचे उत्तर प्रदेश में लिखता है, सबसे नीचे पॉइंट पर लिखता है कि उत्तर प्रदेश में बोलियां, ठीक है, बोलियों से संबंधित सवाल। अब इसमें हम उत्तर प्रदेश को सिर्फ नहीं लेंगे बल्कि सारी जगह पर जैसी जैसे, क्योंकि सवाल जो आपसे पूछता है वह ऐसे ही पूछता है, उत्तर प्रदेश भी हम मेंशन करेंगे, साथ ही पूरा हिंदी भाषा के अंतर्गत जितनी बोलियां हैं, उपभाषा है, विभाषा है, इन सभी पर बहुत अच्छे ढंग से हम परिचर्चा करेंगे, क्योंकि सवाल है 3 से 4 प्रश्नों का, कोई भी बिंदु हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि लोवर के लिए भैया फाइटिंग बहुत अच्छी है, इस बात को बहुत अच्छे से समझिए, और ऐसा पद फिर से इसके अंतर्गत आने में बहुत ज्यादा दिन लगेंगे, ठीक है। तो जो पद है आपका, अगर मन में टारगेट है कि ईओ बनना है, तो उसके लिए टीम के द्वारा जो कोर्स चलाया जा रहा है निश्चित रूप से जुड़िए। देखिए, दूसरी चीज जो इसमें आ रही है, हिंदी भाषा एवं साहित्य का ज्ञान, उसके बाद हिंदी व्याकरण में यह बढ़ जाता है, अगला जो आपका सिलेबस है या हिंदी व्याकरण का है। व्याकरण के अंतर्गत उसने क्या क्या रखा है, इसमें उसने रखा है आपको वर्णमाला का बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए, वर्णमाला के बाद संधि का बहुत व्यापक ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि संधि से भी सवाल पूछता है, संधि के बाद फिर यह पूछेगा आपको शब्दों के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, शब्द के बाद फिर आपसे इसी में जितने भी तरीके के शब्द हैं, प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, इन सभी से संबंधित जितने भी प्रकार के आपके शब्द होते हैं उनसे बहुत बढ़िया आपको ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि यहां से सवाल सबसे ज्यादा बनते हैं, लगभग 8 प्रश्नों के करीब। उसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, लोकोक्ति, मुहावरे, यह सब कुछ आपके पाठ्यक्रम में समाहित है। और टीसीएस की आज तक जो खूबी रही है, टीसीएस के अगर आप 19 के प्रश्न पत्रों को उठाइए, जब से लोग इसने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग का फॉर्मेशन हुआ है नए तरीके से और जिम्मेदारी टीसीएस के कंधों पर गई है, तो इसने हर एक परीक्षा में जितना मेंशन किया है, जितने बिंदुओं को, उन सारे बिंदुओं से सवाल उठाया है। तो आपके लिए यह जरूरी होगा कि उन सारे बिंदुओं को, अगर मैं दूसरी बात बताऊं कि जितने आपके अच्छे राइटर हैं उनकी किताबों को आप पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो आपको 3 से 4 किताबें कवर करनी पड़ेंगी, तब यह पूरा पाठ्यक्रम आप लोअर मेंस के अकॉर्डिंग तैयार कर पाओगे। उसके लिए हम जो है, मेरा जो नोट्स है, ठीक है, जो लोअर मेंस के लिए स्पेशल मैं इस समय तैयार करवा रहा हूं पूरा, वह नोट्स आपके सामने उपलब्ध हो जाएगी, जिसमें हर एक बिंदु, आपको बहुत सारी चीजों को भटकना नहीं है, सिर्फ उस नोट्स को पढ़िए, पूरे के पूरे आपको सारे बिंदु कवर होंगे और सारे के सारे जो क्वेश्चन होंगे यहीं से उठ जाएंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छी रणनीति यहां पर आपके सामने लाऊंगा मैं, वर्णमाला, संधि, शब्द, उसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है, लोकोक्ति, मुहावरे, यह सब कुछ इसी के अंतर्गत है, इन्हीं को हमें पढ़ना है। दूसरी बात इसमें ध्यान देना है, इसके बाद जब आप ये पूरे पॉइंट को कवर करेंगे, उसके बाद इसने एक और पॉइंट लिखा है, व्याकरणिक कोटियां, यह किसी अन्य उसमें सवाल विशेष रूप से, मतलब सवाल तो
अन्य संस्थाओं के द्वारा जो परीक्षा करवाई जाती है उसमें पूछा जाता, लेकिन अलग से किसी भी संस्था के पाठ्यक्रम में यह मेंशन नहीं होता, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी के आपके सिलेबस में यह अलग से मेंशन है। और यहां से सवाल जो आपके पूछे जाते हैं वह सवाल बहुत अच्छे पूछे जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, व्याकरणिक कोटियों के अंतर्गत आपसे जो सवाल पूछता है वह 9 तरीके की व्याकरणिक कोटियों पर पूछता है। ठीक है, कौन कौन से हैं? आपको लिंग के बारे में बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए, ठीक है, कारक के बारे में मालूम होना चाहिए, काल के बारे में मालूम होना चाहिए, वचन के बारे में मालूम होना चाहिए, पुरुष के बारे में मालूम होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद वाच्य के बारे में मालूम होना चाहिए, फिर पक्ष के बारे में मालूम होना चाहिए, वृत्ति के बारे में मालूम होना चाहिए, और साथ ही साथ निपात के बारे में मालूम होना चाहिए। ये सारी व्याकरणिक कोटियों से वह सवाल पूछता है और लगातार पूछेगा। इसी में उसने ट्रिपल एससी ने शब्द जो है शक्ति से भी सवाल पूछे हैं। ठीक है, शब्द शक्ति के अलावा उसने, ठीक, बाकी जो आपके पॉइंट बनते हैं यूपी ट्रिपल एससी के सिलेबस में छंद शास्त्र से सवाल नहीं पूछे जाते, ना यह आपके सिलेबस में शामिल है, बल्कि अन्य जितनी परीक्षाएं हैं उनमें छंद शास्त्र आपका एक व्यापक भूमिका निभाता है। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी लोअर मेंस के दृष्टिगत छंद शास्त्र नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा आपको आराम दिया है। लेकिन व्याकरण, व्याकरण इतनी भी आसान नहीं है कि ईओ के पद के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हो तो यहां पर आपके लिए हर एक क्वेश्चन हिंदी का बहुत चैलेंजिंग है। आज मैं आपके सामने जो शुरू कर रहा हूं सबसे पहले डेमो के तौर पर वह आपका कहां से शुरू कर रहा हूं, दूसरी चीज जितना मैंने 19 के पेपर को जितनी तरीके से इसने पेपर करवाया है, ठीक है, युवा विकास कल्याण अधिकारी बीडीओ हो गया, ठीक, उसके बाद आपका मंडी जो हुआ पर्यवेक्षक का रहा, फिर जो परीक्षाएं रही जूनियर असिस्टेंट जैसे इसने अभी करवाया था हाल ही में, बीच में जो अन्य परीक्षाएं हुई इसके द्वारा लोअर वाली परीक्षा करवाई गई, ठीक, और वन रक्षक की परीक्षा करवाई गई, इन सभी के प्रश्नों को आप देखोगे, ये प्रश्न पत्रों को उठाना, तो आपको पता चलेगा कि यूपी ट्रिपल एससी ने जो लिखा है इससे सवाल कैसे पूछे हैं। सवाल ऐसे इतने अच्छे आए हैं कि जिन लोगों को मैंने देखा है कि 40 प्रश्न पहले जब ट्रिपल एससी में होते थे जिनका चैलेंज होता था कि 40 में मैं 38 सही कर दूंगा, 40 सही कर दूंगा, उनके भी प्रश्न लगातार गलत होने लगे हैं, क्योंकि यह व्याकरण पूछने लगा है। सवाल इसके कैसे पूछे जाते हैं अब इस पर बात करते हैं। यूपी ट्रिपल एससी में जो नया, जब से यह आयोग है, नया आयोग सवाल को दो तरीके से उठाता है, ठीक है, इसके सवाल पूछने का तरीका जो है यह दो तरीके से है, ठीक है, यह सब कुछ मैं 19 में कराए गए पूरे पेपर के आधार पर आपको बता रहा हूं, ठीक है, पूरा पेपर मैंने विधिवत देखा है कहां से किस अनुसार सवाल उठाए जाते हैं। इसका सवाल पूछने का जो तरीका होता है, एक तो यह हिंदी में जितनी आपकी परिभाषाएं किसी से संबंधित हैं, परिभाषाओं से सवाल पूछने के जो चांसेस हैं, अगर 100% देखा जाए, 100% में जो परिभाषा से यह सवाल पूछता है वह सवाल परिभाषाओं से संबंधित, भाषाओं से संबंधित जो सवाल होते हैं या 50% से ऊपर बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब अधिकतर जितने सवाल पूछे जाते हैं या भाषा पर आधारित पूछे जा रहे हैं, मतलब उसमें आपको डायरेक्ट चीजें नहीं मिलेंगी, घुमा के सवाल पूछता है, और हमें 25 प्रश्न अगर टारगेट है तो 25 में 25 को करने की कोशिश करना है। दूसरा जो इसका प्रारूप बदल रहा है वह प्रारूप आपके सीधे सीधे उदाहरण से उठाता है, ठीक है, कि एक आपको वाक्य दे देगा, वाक्य में क्या पूछेगा, अच्छा इसमें सिलेबस में मैंने वाक्य के बारे में चर्चा नहीं की, वाक्य विधान भी आप में है और वाक्य से संबंधित बहुत अच्छा सवाल आपसे पूछता है, तो ये उदाहरण से और परिभाषाओं से, मतलब अब हमें हिंदी की जटिलता को यहां समझना है। आप हिंदी ऊपर ऊपर पढ़ करके यूपी ट्रिपल एससी के नए सिलेबस के अनुसार, नए पाठ्यक्रम के अनुसार कभी भी 25 में 25 नहीं सही कर पाओगे। अगर आप सोचते हो कि मैं हिंदी को रट के चला जाऊं और हिंदी सही कर दूं, तो वहां आप गलत हैं, क्योंकि अब सवाल कैसे पूछ रहा, भाषा पर आधारित सवाल ज्यादा देता है, मतलब कोई बिंदु उठाया तो वह बिंदु में भाषा लाएगा, उसकी परिभाषा लाएगा, कहीं से उदाहरण से सवाल बहुत कम पूछने के चांसेस करता है। क्यों? क्योंकि उदाहरणों में उसे पता होता है कि आप कई सारी किताबों को पढ़ के आए हो, आप लगातार परीक्षाओं को दे रहे हो, इस वजह से जो सवाल बनाए जाते हैं, कोई अगर नया खेल करना है तो इसी परिभाषा से संबंधित चीजों में घुस जाओ, प्रश्नों के स्तर अपने आप जटिल हो जाएंगे। जैसा इसने लिख रखा है कि प्रश्नों के स्तर अब आपको उच्च दिखाई देंगे, तो ऐसा नहीं है कि जीएस के प्रश्न ही उच्च बनेंगे,
हिंदी के प्रश्नों में जटिलता होगी। और कोई भी प्रश्न पत्र जो बनता है, प्रश्न पत्र में हमेशा तीन आधार पर प्रश्नों को प्रश्न पत्र को तैयार किया जाता है। एक तो आपका होता है सामान्य प्रश्नों को रखा जाना, सामान्य प्रश्न के बाद थोड़ा सा आपके जो है मध्यम स्तर के प्रश्न होते हैं, और तीसरा जो प्रश्न पत्र आपका बनता है यह कठिन स्तर का बनता है। ठीक है, ये तीनों तरीके के सवाल टीसीएस लगातार अपने पैटर्न में प्रयोग करती है, क्योंकि टीसीएस इससे पहले यह देश की सबसे बड़ी संस्था है जो सारी परीक्षाओं को करवाती है। ठीक है, एसएससी की परीक्षा, रेलवे की परीक्षा, यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा, ठीक है, उत्तर प्रदेश एसआई की परीक्षा, सब कुछ टीसीएस ही करवाती है, तो अपने आप में सबसे बड़ी संस्था है। इसमें जैसे अन्य आयोग होते हैं तो वहां पर उस विषय को जानने वाले जो है अध्यापक प्रश्न पत्र तैयार करते हैं, यहां टीसीएस की अपनी टीम है वह तैयार करती है। तो यहां प्रश्नों में ये लोग जो पूछने की प्रवृत्ति रही है या प्रश्नों की गहराई को समझने वाले सवाल को उठाती है। ये नहीं कि अगर आप ऊपर ऊपर पढ़ के गए हो और इसके द्वारा अगर कोई प्रश्न आपके सामने आ गया तो आप कर ले जाओ। ये प्रश्नों को तीन स्तर में बांट के पूछती है आपसे सवाल। जो सामान्य स्तर के प्रश्न होते हैं, सामान्य स्तर के प्रश्न लगभग ये 40% आपको देती है। ठीक है, उसके बाद मध्यम स्तर के प्रश्नों में अगर यह देखा जाए तो 40% के करीब मध्यम स्तर के प्रश्न होते, ना बहुत कठिन होगा ना बहुत आपके आसान होंगे। और जो 20% बचता है यह कठिन स्तर कर देती है, 10 से लेकर 20% का। ठीक है, और यहीं पर हमारा खाका बिगड़ जाता है, और बिगड़ेगा भी अगर इस पर सही तरीके से आपकी पकड़ नहीं है। हिंदी अगर आपको पता है कि हिंदी बहुत आसान सी चीज है, तो हिंदी ऐसा आपके साथ खेल खेल देगी कि जहां पर आपको लगेगा अरे थोड़ा सा पढ़ लिए होते तो हमें थोड़ी चीजें आ जाती। तो यहां जो लोग लोअर मेंस के प्रोग्राम से जुड़ रहे हैं या जुड़ना चाह रहे हैं, निश्चित रूप से जुड़िए। जितनी चीजें मैं आपको पढ़ा दूंगा, जितनी चीजें मैं उसके बाद नोट्स में दे दूंगा, उसके बाद प्रैक्टिस करवाऊंगा अलग से, वो सारी चीजें हिंदी में आपको पूरी तरीके से आपकी दुविधा समाप्त कर देगी। कोई भी शंका आपको अपने आप पर नहीं रह जाएगी। जैसे जैसे स्तर बढ़ेगा आप धीरे धीरे समझना प्रारंभ कर दोगे। अब हम बढ़ते हैं, ये तो पूरा अनुरूप रहा, ये जो एनालाइज मैंने 2019 के पेपर को किया, इससे पहले लोअर यूपी ट्रिपल एससी जब करवाती थी उस प्रश्न पत्रों को किया है, उस आधार पर ये सब कुछ मैंने बताया है। हिंदी व्याकरण में हम लोग दो चीजों को लेकर कवर करेंगे, एक तो इसका पाठ्यक्रम जैसे जैसे इसने पूछा है उस अनुरूप। 19 में कई ऐसे पेपर मुझे मिले हैं जहां पर यूपी ट्रिपल एससी ने क्या किया है, करवाई तो टीसीएस ही है, लेकिन इसने देखा जो पुराना पाठ्यक्रम था उस अनुरूप इसने नया चैलेंजिंग उसमें ना करते हुए कुछ में पुराने पाठ्यक्रम के सवालों को रख दिया है। तो हम उन सारी चीजों को कवर यहां करेंगे कि अगर पुराने पाठ्यक्रम को एकाध बिंदुओं को उठाया तो वहां से सवाल क्या हो सकता, और नए सिलेबस के अनुरूप जो इसने परीक्षाएं करवाई हैं उन परीक्षाओं में ये कैसे कैसे प्रश्नों को उठाता है। ठीक है, इन सभी को बहुत बेहतर ढंग से समझते हुए आज मैं आपके सामने सबसे पहले चैप्टर के तौर पर शुरुआत कर रहा हूं। यह डेमो लेक्चर है कि हम किस तरीके से एक किस रणनीति के जरिए आपको हर एक विषय कवर कर पाएंगे। तो निश्चित रूप से सारे लेक्चर्स को देखिए, टीम में एक अपने आप में विश्वास झलकेगा, आपको स्वयं में एक आत्मबल आ जाएगा कि हम एक सही टीम के साथ अपने भविष्य को लगा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के आप एडमिशन लीजिए और निश्चिंत रहिए, आज जिस टॉपिक को आप समझिए बहुत गहराइयों तक पूरी विषय को हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे, और बहुत सारी चीजों को यहां हमें देखना है। वो चीजें क्या है, सबसे पहले मैं आपके सामने लेकर शुरुआत कर रहा हूं आज हिंदी व्याकरण को लेकर। हिंदी व्याकरण में अगर हम ये देखें, ठीक है, हिंदी व्याकरण, हिंदी में सबसे पहले आप सारे लोग जानते हैं, मैं भाषा या साहित्य में लेकर नहीं जा रहा हूं क्योंकि वह बिंदु आपका एक छोटे अंतराल के अंतर्गत कवर नहीं किया जा सकता, उसमें बहुत सारी विविधताएं हैं, उन सारी विविधताओं को हम आगे कवर करेंगे। आज मैं आपके सामने हिंदी व्याकरण जो है प्रेजेंट कर रहा हूं, इसी को समझिए कि किस विधि से हम आगे भी ऐसे क्लासेज को आपके समक्ष उपलब्ध करवाएंगे। देखिए, हिंदी व्याकरण की अगर बात की जाए, सबसे पहले ये जो हिंदी लिखी हुई है यही आपका शुद्ध रूप है। ठीक, हिंदी का शुद्ध रूप आपका क्या है, हिंदी का शुद्ध रूप ये नहीं है। ठीक है, क्योंकि हिंदी जैसे ये लिखी है, अब शुद्ध तो ये भी है, हिंदी को हम ऐसे लिख दें शुद्ध तो ये भी है, और हिंदी को हम ऐसे लिख दें तो शुद्ध तो ये ही,
लेकिन जो मानी जाती है, जो प्रति जो है प्रतिष्ठित भाषा शब्द माना जाएगा, जो एक मानक माना जाएगा, वह इसी को बोलता है। और मानक शब्द क्यों आया? क्योंकि किसी भी चीज में अगर हमें उसको परिष्कृत रूप में, एक नवीनतम रूप में, एक सधे हुए नियमों के अंतर्गत रखना है, तो उसमें उस नियमों की एक पूरी विधा होती है। और किसी भी भाषा में जो आपके शब्दों को एक नियमित क्रम, एक नियमित विधा के अंतर्गत सजो कर परोसा जाता, आपके सामने रखा जाता, वह व्याकरण कहलाता है। ठीक है, किसी भी भाषा, ऐसा नहीं हिंदी, संस्कृत भाषा है तो उसमें भी कौन सा शब्द कहां पर आएगा उसका एक क्रम है, उस क्रम के अनुरूप संस्कृत व्याकरण भी है, अंग्रेजी व्याकरण भी इसी जैसे है, हिंदी व्याकरण वो भी है। तो व्याकरण की परिभाषा ये हो गई कि किसी भी शब्दों को एक नियमित क्रम में किस अनुरूप रखा जाए, उसकी भाषा कैसी हो, उसमें लहजा कैसा हो, इन सारी चीजों का जो एक व्यवस्थित समूह होता है वह व्याकरण होता है। व्याकरण जो एक विधा है, ठीक, यह हिंदी भाषा को या किसी भी भाषा को लिखने के लिए मानक तय करती है कि कोई भी भाषा है वह लिखी जाएगी, बोली जाएगी, तो उसका एक अपना स्टैंडर्ड होगा, मानक होगा। जैसे अगर मैं यहां पर कहूं, राम जाति थी, राम जाति बाजार थी, अब आप कहोगे ये क्या लिख दिया, मैंने तो भाषा ही बोला ना, राम जाति बाजार थी, लेकिन आप कहोगे ये गलत है। अरे भैया, मेरा माप माध्यम तो समझ रहे हो ना, राम बाज जो है जाति बाजार थी, लेकिन आप कहोगे ये गलत है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें शब्दों का जो क्रम विन्यास है वो गलत रूप से लिखा है। और ये गलत आपके मन में कहां से आया? क्योंकि हिंदी व्याकरण ने आपके सामने एक लिमिटेशन रखी है, एक मानक बनाया है। इसका शुद्ध रूप आप ऐसे लिखोगे, राम बाजार जाता है। ठीक है, राम बाजार जाता है, आपने क्या लिखा कि यहां जाता है, यहां जाति लिखा था, एक तो लिंग के साथ नहीं था, ठीक, यहां लिंग गलत था। तो लिंग, वचन, कारक, काल, सब कुछ व्याकरण ही आपका क्या करता है, क्रमबद्ध करता है, एक परिष्ठित भाषा के तौर पर बनाए रखने के लिए। तो व्याकरण क्या है? व्याकरण वह है जिसमें शब्दों का एक नियमित अंतराल, एक क्रम, एक शुद्धता हमें देखने को मिलती है, वह व्याकरण है। हिंदी व्याकरण की जब हम बात करते हैं तो हिंदी ऐसा नहीं है कि हिंदी व्याकरण स्वतः उत्पन्न है। हिंदी व्याकरण से पहले जो रचनाएं हुई, सब कुछ आपकी कहां से हुई है? वह सब कुछ आपकी संस्कृत से प्रारंभ होता है, क्योंकि मानव जब पृथ्वी पर आता है और धीरे धीरे वह सब भी मानव की ओर बढ़ने लगता है और आर्य की ओर पहुंचता है, और आर्य में ही ऋग्वेद की रचना हो जाती है। जब वेदों की रचना प्रारंभ होती है तब हमारे पास एक भाषा होती है, और उसी भाषा से, क्योंकि इससे पहले भाषा है क्या? भाषा एक माध्यम है जिसने जिससे हम अपने भावों को व्यक्त कर ले जाएं, भाषा एक माध्यम है जिससे भावों को व्यक्त कर ले जाएं। भाषा को लिखने के लिए, समझने के लिए, समझने में तो कुछ भी भाषा बोल दीजिए वो समझ जाएगा, लेकिन लिखने के लिए एक मानक होता है, उस मानक को तय करने में व्याकरण आता है। तो भाषा कोई है, भाषा का एक प्रतिष्ठित जो रूप होता है, जो रूप उसको प्रदान किया जाता है, उस वह व्याकरण तय करता है। व्याकरण एक विधा है जिसके अंतर्गत किसी भाषा को एकदम क्या किया जाता है, काटा और छाटा जाता है कि वह एकदम क्या हो, बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने प्रस्तुत हो। ठीक है, वही व्याकरण है। तो व्याकरण भाषा का नियामक बोल भी सकते हैं। ठीक, जैसे गद्य जब आप पढ़ते हैं, मतलब किसी भी चीज को हिंदी में जब हम देखते हैं, आप कभी भी हिंदी में भाषा में जब रचना कोई पढ़ते हो तो एक रचना आप पैराग्राफ के रूप में पढ़ते हो, जिसको हम गद्य कहते हैं, इसको हम बोलकर पढ़ते हैं, और दूसरी रचना पढ़ते हो जिसमें आप इसको गाकर बोलते हो, कविता हो गई, कोई छंद हो गया, चौपाई हो गई। तो ये जो गाने वाली है यह रचना आपकी पद्य कहलाती है, और जो गद्य है, गद्य में कोई चीज लिखना होता है, लिखने के लिए भाषा का एक जो है मानक रूप होता है। तो गद्य की बात करें, गद्य का नियामक जो है, गद्य का सब कुछ मैनेजमेंट जो है, यह व्याकरण करता है। ठीक है, और अगर वही पद्य की बात की जाए तो पद्य में, पद्य का जो नियामक है यह छंद शास्त्र है। ठीक है, छंद शास्त्र आपको नहीं पढ़ना है, ठीक, हमें सिर्फ व्याकरण को पढ़ना है।
तो भाषा की जब हम बात करते हैं, हिंदी भाषा जिस व्याकरण को पढ़ने जा रहे हैं, तो हिंदी भाषा में सबसे पहले अगर देखा जाए कि भाषा है क्या, तो भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान और प्रदान करते हैं। विचार का अर्थ क्या हुआ? हमारे मन में जब मनुष्य, इससे पहले मैंने बताया कि आर्य उस रूप में पहुंचा, जब उसने किसकी रचना कर दी, जब उसने ऋग्वेद की रचना प्रारंभ कर दी, वहीं तो आर्य था। इससे पहले अगर देखा जाए, क्या भाषा नहीं थी? भाषा थी। भाषा हर एक व्यक्ति की होती है, हमारी होती है, पशुओं की होती है। व्याकरण में मनुष्यों की ही भाषा को लेकर बात की गई है, ठीक है। तो भाषा क्या है? सभी की आपसी भाषा होती है। जानवर भी आपस में बात करते हैं, उनकी भी अपनी एक भाषा है। मनुष्य भी जो है बात करता है, वो भी एक भाषा है। भाषाओं के अंतर्गत आपकी उपभाषाएं, उपभाषाओं के अंतर्गत बोलियां होती हैं, और इन बोलियों का बहुत ही परनिश्चित रूप, मतलब अलग अलग विभेद आपको पूरे भारत में देखने को मिलता है। एक कहावत है ना, क्या, कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर पानी, ठीक है। मतलब अगर आप 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चले गए, 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर रेंज में चले जाइए, पानी का स्वाद आपको बदला हुआ नजर आएगा। और कुछ और दूरी आप तय कर लीजिए, लगभग 10 किलोमीटर का दायरा तय कर लीजिए, ठीक है, तो वहां पर आपको जो शब्दों के प्रयोग होंगे, जो बोली होगी, उस बोली में फर्क जान जो है नजर आने लगेगा। आप अपने ही जिले में हैं, जिले की हर एक सीमाओं को देख लीजिए, तो उस सीमाओं के अंतर्गत आपको जो शब्दों के प्रयोग मिलेंगे, बोलियों में अंतर मिलेगा। तो बोली भाषा के ही अंतर्गत आती है। बोली सबसे छोटी रूप के तौर पर है, बोली के बाद आपकी उपभाषा, विभाषा, विभाषा के बाद धीरे धीरे वो किस में बोली जो है भाषा के तौर पर सामने आ जाती है। तो सबसे पहले बात आती है कि जब मनुष्य उस रूप में था, जहां से उसने वेदों की रचना प्रारंभ की, क्या उससे पहले कोई रचना नहीं है? क्या रचनाएं बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ ऐसी रचना है जिसके बारे में हम पढ़ नहीं सकते। जैसे आपने इससे पहले देखा होगा कि अभी भी बहुत सारी ऐसी गुफाएं मिल रही, जिन गुफाओं में मनुष्य ने अब कुछ लिखा है, अपने भावों को व्यक्त किया, और वो सारी लिपियां, वो किसमें लिखा, वो भावात्मक पूरा का पूरा जो वर्णन है, वो उसने चित्र के माध्यम से पूरा दर्शाया है। चित्र के माध्यम से उसने अपने भावों को दर्शाया। तो हमारे भावों के आदान प्रदान, हमारे भावों को व्यक्त करना के लिए बहुत जरूरी है भाषा। और मनुष्य जब गुफाओं में रहता था, उसे किसी भाषा का ज्ञान नहीं था, तो अपने विचारों को किससे दर्शाता था? वो अपने विचारों को चित्र के माध्यम से दर्शाता था। और आज भी बहुत सारी ऐसी पहाड़ियां हैं, जिन पहाड़ियों में इन चित्रों की खोज मिलती है कि यहां मानव निवास करता था, उस मानव ने ऐसे ऐसे चित्र बनाए थे। आप सभी ने बहुत उदाहरण, तो वह भी एक भाषा है, वह भी एक भाषा है, यह भी भाषा है। भाषा के जैसे एक तो मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूं, यह भी आपकी एक भाषा है, मौखिक भाषा हो गई। मैं यहां लिख रहा हूं, यह लिखित भाषा हो गई। और मैंने पूछा समझ में आया, आपने कहा सर हिलाया, तो वह भी एक भाषा है। लिखित, मौखिक और आपके सामने तीसरी जो भाषा मिलती है वो क्या होती है? शारीरिक भाषा होती है। तो हम तीन तरीके के भाषाओं के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। उसी से संबंधित भाषा के बारे में आप क्या क्या जानते हो? भाषा का नियामक, जो आपका गद्य का नियामक व्याकरण है, उसके बारे में क्या जानते हो? इससे आपसे SSSC मेंस में सवाल पूछेगी। तो यहां भाषा में हमने बात किया कि भाषा के तीन स्वरूप देखने को मिलते हैं। एक आपकी मौखिक भाषा होती है, दूसरी लिखित भाषा होती है, और तीसरी जो होती है वह शारीरिक भाषा होती है। यानी अब भाषा में जो हमें प्रकार मिलता है वह तीन प्रकार से मिलता है। मनुष्य ने जो उस समय अपनी भाषाओं को व्यक्त किया, अपने भावों को व्यक्त किया, वह चित्रों का प्रयोग किया, और उन चित्रों को आज दुनिया भर के अलग अलग देशों में अभी भी गुफाओं के अंदर, कंदराओं के अंदर मिलते हैं। अब बात आती है जब मनुष्य उस सभ्यता तक पहुंच गया जहां से उसको यह ज्ञान हो गया कि हम किसी चीज को लिखेंगे कैसे, और वहां से जो कोई रचना मिलना, रचनाएं मिली हैं, कृतियां मिली हैं, लेकिन उन कृतियों को पढ़ा नहीं गया है, वो कृतियां आपकी समझने के लायक नहीं है। जिस लिपि में लिखी गई वो लिपि हमें समझ में नहीं आती, तो इसलिए उस लिपि को हम नहीं गिनते। लेकिन उसके बाद जहां से सब कुछ समझना हमें प्रारंभ हो गया, हमें सब कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ, वो हमारी रचना कहां से है? वो वेदों की रचना से, वैदिक काल से सब कुछ प्रारंभ होता है। वैदिक काल में
जो भाषा जहां से हमें हर एक चीजें देखना है, हिंदी के रूप तक देखना है, तो इसमें समझिएगा सबसे पहले भाषाओं जो हमें पूरा इतिहास भी आप पढ़ोगे, जहां से आज मैं आपको प्रारंभ भी करूंगा, इसमें सबसे पहले जो रूप मिला जिसमें किसी चीज की रचना हुई, मैं अगर भाषा के विकास की बात कर रहा हूं तो इसको समझिएगा कि भाषा का विकास कैसे कैसे हुआ, और यहां पर हिंदी भाषा के विकास की मैं बात कर रहा हूं। हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ इस चीज को समझिएगा। हिंदी भाषा के विकास में अगर बात करें तो सबसे पहले वेदों की जब रचना होती है, ठीक है, जब, तो इसको वैदिक काल नाम दिया गया है। वैदिक काल के बारे में आप इतिहास में पढ़ते हो, ठीक है, तो वैदिक काल में रचना हुई, वो रचनाएं आपकी किस में रही, वो सारी रचनाएं आपकी संस्कृत जो है भाषा में रही। तो सबसे पहले जो रचना आई, ठीक, वह क्या थी, वह वैदिक संस्कृत थी। सबसे पहले जो रचना हुई, जिस भाषा में रचना हुई, वो भाषा का स्वरूप आपका क्या था, वो वैदिक संस्कृत का था। अब आपने देखा है कि वेदों में क्या हुआ था, बहुत सारी ऐसी प्रतिबंधता थी कि जो कुलीन वर्ग था, उच्च लोग थे, उन्हीं को वेद पढ़ने की अनुमति थी, स्त्री थे, निम्न वर्ग था, शूद्र थे, इन लोगों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, सिर्फ इनको सुनने की अनुमति थी। तो ये चीजें बाद में उस समय जब रचना हुई तो ऐसा नहीं था कि ये सारे प्रतिबंध लगाए गए हों, लेकिन बाद में ये सारे प्रतिबंध आरोपित हुए। तो ये बताइए, जब उच्च वर्ग जो संस्कृत को पढ़ेगा, संस्कृत को जानेगा, उसकी भाषा तो वही रहेगी, संस्कृत ही, एक परनिष्ठित संस्कृत, लेकिन जो निम्न वर्ग, जो आपके किसी विद्यालय में जिसको शिक्षा ग्रहण का अधिकार नहीं था, ठीक, जिसको वेदों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, क्योंकि उस समय सारे के सारे एक आपका आश्रम होता था, उस आश्रम में एक गुरु होता था, और वह गुरु क्या करता था, उस आश्रम में बच्चों को शिक्षा देता था, उस आश्रम में महिलाएं भी आपकी पढ़ती थी, पुरुष भी पढ़ते थे, ठीक, लड़के लड़कियां सब, उस आश्रम में क्या होता था, एक ही गुरु, वही गुरु बच्चों को उनकी प्रतिभा के अनुसार सारे ज्ञान देता था, वही गुरु उसी में से सारे बच्चों को, किसी को जो है पंडित बना देता था, किसी को क्षत्रिय बना देता था, किसी को क्या बना देता था, MBBS डॉक्टर बना, एक ही गुरु सब कुछ करता था। आज तो पता चलता है बीटेक करना है, फिर उसके बाद अगर आपको BSc करना है, BA करना है, ठीक, आपको फिर क्या करना है, अन्य किसी क्षेत्र में जाना है, तो सबके लिए अलग अलग गुरु है। उस समय क्या होता था, एक महात्मा होता था, एक आश्रम का आचार्य होता था, वह आचार्य किसी को डॉक्टर बना देता, किसी को राजवैद्य बना देता, किसी को जो है मंत्री के लिए नीतिशास्त्र बना देता, किसी को अच्छा राजा, किसी को योद्धा, सर्व गुण संपन्न भी बना देता था, एक ही मुहर आपका आचार्य। पहले सारे आश्रम व्यवस्था चलती थी, तो जाहिर सी बात है जो आश्रमों में बच्चे गए होंगे, सबसे पहले लिखने की चीजें नहीं थी, सबसे पहले गुरु बैठ के, ठीक, बच्चों को सीधा सीधा क्या करता था, उस भाषा को बताता था, वेदों को जुबानी रटा दिया जाता था, वेदों के महात्म्य को समझा दिया जाता था, और उस महात्म्य को वह बच्चा आगे भविष्य में अन्य बच्चों में विस्तृत जो है विस्तारित करता था। इस अनुसार भाषा जो है, जो परिनिष्ठित भाषा संस्कृत थी, वह एक से दूसरे में पहुंचते गई। लेकिन यह बताइए, समय के हिसाब से जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ती रही, तो वह वर्ग की जनसंख्या भी बढ़ी जिसको वेदों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उन्हें शिक्षा ग्रहण का अधिकार नहीं था, तो धीरे धीरे वह वर्ग जब आपका क्या होगा, बढ़ने लगेगा, तो जाहिर सी बात है जिसे संस्कृत आज भी आप गांव में जाते हैं तो गांव में वह व्यक्ति जो पढ़ा लिखा एकदम नहीं है, वह भी आपको अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करता हुआ आप पाओगे उसको। फिर आप सोचोगे ये कहां से जान गया भाई ये शब्द, वहां पर उसमें हैरानी की बात कोई नहीं है, हम क्योंकि मनुष्य हैं और मनुष्यों में किसी शब्द को सुनने के बाद, ठीक है, उस शब्द को याद करने की शक्ति होती है, ठीक है, बहुत सारे जानवरों में भी है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं जिनकी याददाश्त बहुत बड़ी होती है। लेकिन यहां पर जब हम देखते हैं कि वह वर्ग जो किसी आश्रम में नहीं जा रहा था, जिसकी अपनी भाषा पर पकड़ ढीली हो गई, धीरे धीरे क्या होगा, उसकी भाषा बदल गई और लोगों के आम जनमानस की भाषा दूसरी हो गई, आम जनमानस की भाषा दूसरी हो गई, और वहीं से जो आम जनमानस है इसको हम क्या बोलते हैं, लोक परलोक, सुना होगा ना,
तो जो लोक है मतलब जो लोग हैं, लोक का अर्थ राज्य हो गया, जैसा भी आप समझना चाहो। तो जो आम लोगों के बीच में भाषा रही वह भाषा लौकिक संस्कृत कहलाई, ठीक है। यह भाषा क्या कहलाई? यह लौकिक संस्कृत कहलाई। लौकिक संस्कृत आपकी क्या थी? आम लोगों की भाषा थी। तो सबसे पहले वैदिक संस्कृत आती है, फिर लौकिक संस्कृत आती है। लौकिक संस्कृत के बाद यह काल जब पूरा चलता रहा, इसके बाद आप पढ़ते हैं कि एक आपका क्षत्रिय, एक राजा का पुत्र, एक क्षत्रिय वह उठा और उसने देखा कि इस धर्म में तो बहुत सारी कुरूतियां आ चुकी हैं। वह सारे राजपाट को छोड़ देता है, अपने राजसी ठाटबाट को छोड़ देता है और एक वृक्ष के नीचे शुरू करता है कि इस संसार में जितनी ये समस्याएं हैं उन समस्याओं से निराकरण क्या हो। तो उसे कुछ ज्ञान प्राप्त होता है और उस ज्ञान के बाद वह आपके सामने बुद्ध के रूप में मिलता है, जो सर्व ज्ञाता हो, जिसे सब कुछ आता हो, ठीक। तो वहां से उसने क्या किया कि ये जो आम जनमानस के लोग थे जिन्हें इस संस्कृत व्याकरण के बारे में, संस्कृत भाषा के बारे में ज्ञान नहीं था, उसने क्या किया कि अगर मुझे इन लोगों को अपना अनुयायी बनाना है, इन लोगों को सही रास्ते पर ले जाना है, तो इनको इन्हीं की भाषा में मुझे समझाना होगा। कहते नहीं है जो जैसा है उसको उसी की भाषा में समझाओ तभी बात समझ में आती है, ठीक। तो उन्होंने क्या किया, बुद्ध ने देखा कि उस समय चूंकि जनसंख्या का बहुत ज्यादा प्रसार हो चुका था, अनेक जो राज्य होते थे वह छोटे छोटे इलाकों में बट चुके थे, ठीक है, क्योंकि ये महाजनपद काल वाली पूरी बातें हैं। जब सारे इलाके छोटे छोटे राज्यों में बटे थे, जनपदों में बटे थे, तो वहां पर बात आती है कि बुद्ध ने क्या किया, बुद्ध ने देखा कि मेरे जो राजपाट के अंतर्गत है, इस राजपाट के अंतर्गत छोटे छोटे आपके टोले हैं, ठीक है, टोला है या मोहल्ला है। उन्होंने मोहल्ले मोहल्ले घर घर में जाकर के शिक्षा देना प्रारंभ किया, अपने उपदेशों को देना प्रारंभ किया कि तुम इस दुख से निजात कैसे पाओगे, कोई समस्या है उस समस्या का समाधान क्या है, दुख का अंत क्या है, आदि तमाम बातों पर वो बात करने लगे। तो उन्होंने जो टोला या मोहल्ला रहा, छोटे छोटे राज्य रहे, गांव रहे, उसमें जो उपदेश दिए, तो वहां पर उन लोगों की भाषा में उपदेश दिया और उन लोगों की जो भाषा रही वह आपकी पल्ली है, ठीक है। पल्ली यानी जो हमें भाषा देखने को मिलती है, ठीक, तीसरी भाषा के तौर पर जो हमारे सामने आई आगे व्याकरण में, यह भाषा आपकी कौन नहीं, यह भाषा आपके सामने पाली होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। तो अगली भाषा कौन सी आई? पाली आई। पाली का अर्थ क्या होता है? पाली का अर्थ होता है पल्ली। पल्ली का अर्थ होता है एक छोटे से एरिया के अंदर जो भाषा बोली जाए वह पल्ली कहलाती। पल्ली का अर्थ होता है टोला। टोला मतलब मोहल्ला, जो कहते नहीं आजकल अंग्रेजी में हम बोलते हैं हमारी ये सोसाइटी है, तो सोसाइटी नहीं, हम गांव वाले क्या कहते हैं, अरे अपने टोले में देख लो, ठीक है, मार हुई है कहीं, ठीक है, पूछते नहीं उस टोला चलोगे। अब गांव में क्या होता है, उत्तर टोला, दक्षिण टोला, दक्षिण नहीं दक्षिण टोला, ठीक है, पूर्व टोला, पश्चिम टोला, जो लोग होते रहते हैं गांव में वो जाते हो। तो ये जो टोला है इसी टोला को पल्ली कहा गया और पल्ली में की जो भाषा रही उसको पाली बोला गया, जिसमें बुद्ध ने उपदेश दिया। अब आप किसी की भाषा में जाकर के आप गांव में जाओगे और लगो फारसी झाड़ने, तो वहां कोई तुम्हें सुनेगा नहीं। जब आप जाओगे और बात करना शुरू करोगे कि दादा का हाल चाल है, कैसे हो, तो वहां पर क्या होगा, दादा आपकी बातों को समझेगा और आपका पूरा जवाब देगा। लेकिन आप पहुंचे और शुरू कर दें तो ऊपर से दो बात और हो सकता है लात भी मिल जाए, उसके बाद आप भगाए जाएंगे। तो ये जो भाषा रही जिस पर बुद्ध ने अपना प्रयोग किया वो भाषा पाली रही, पल्ली। इन्होंने देखा कि एक टोले में जो लोग हैं उनकी जो भाषा, उस भाषा में मैं समझाऊंगा तो ये लोग मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, और वहीं से प्रारंभ हो गया, एक तीसरी भाषा का पुनर्जन्म हो जाता है जो पाली कहलाती। पाली के बाद एक फिर से आपका उठता है बंदा, ठीक, जो इन सारे जो है धर्मों में जो कुरीतियां थी उनके खिलाफ अभियान छोड़ता है, और वह अभियान ऐसे चलता रहता है कि धीरे धीरे उसे भी सब कुछ राष्ट्रीय ठाट बात सब कुछ छोड़कर भगवत जो है भजन में लगता है, और जब कहता है कि मुझे बड़ा अच्छा ज्ञान हो गया, ठीक, तो उस ज्ञान के बाद वह आता है आप सभी के समक्ष और फिर धीरे धीरे वह उपदेश प्रारंभ करता है। तो उसने क्या किया, अब एक मोहल्ले की भाषा है, मोहल्ले की भाषा के बाद एक ऐसी आप भाषा का रूप चुनिए जो आप कहीं भी किसी व्यक्ति को समझा पाए, ठीक है,
कहीं भी किसी व्यक्ति को समझा पाए तो वह भाषा इन्होंने जो क्या नाम दिया, जो इसके बाद आपके जैन मुनि आए, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने जो अपने उपदेश दिए वह सब कुछ प्राकृत भाषा में उपदेश दिया। ठीक है, इन्होंने जो उपदेश के लिए अपने भाषा का प्रयोग किया यह प्राकृत रही, मतलब जो बच्चा पैदा हुआ अपने माँ बाप से, उस रहने वाले समाज से जिस भाषाओं को सीख गया वही क्या है, प्राकृत भाषा है। आज बच्चा सीखा तो माँ उसे सबसे पहले क्या करती है, पुकारना शुरू करती है, दुलराना प्रारंभ करती है, घर वाले बच्चे के को बुलाते हैं तो बच्चा जिन जिन शब्दों को सुनता है, जिन जिन शब्दों को उम्र के साथ सीखता चला जाता, वो बच्चा अगर उसे शिक्षा कोई सही नहीं दी जाए तो वह उसी भाषा को तो जानेगा। ठीक है, हमारी सबकी मदर टंग मातृभूमि होती है, मातृभूमि ही एक तरीके से क्या बोल सकते, वो हमारे अंतर्गत क्षेत्र के अंतर्गत प्राकृत भाषा है। जैसे हम लोग जिस क्षेत्र से बिलोंग करते वह क्षेत्र क्या है, अवधि प्रांत है। कहां गए रहा भैया, का हालचाल है, ठीक, यह अवधि प्रांत है, अवध का पूरा इलाका है। तो यहां इस भाषा में किसी से बात करोगे तो एक आम रिक्शा चालक भी आपकी बात को समझ जाएगा और एक बड़ा ऑफिसर भी आपकी बात को समझ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें क्या होती हैं, ये भाषाओं का पूरा अपना प्रभाव होता है। तो पल्ली पाली भाषा के बाद अगली भाषा प्राकृत देखने को मिली। अब जब प्राकृत भाषा आ गई, प्राकृत के भाषा के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे अब भाषाओं में यहीं पर धीरे धीरे टूटना, भाषाएं सारी भाषाएं टूटना प्रारंभ, क्योंकि क्षेत्र विस्तारित हो रहा था, जनसंख्या बढ़ रही थी। तो आजकल क्या हुआ कि कुछ लोग पहले यहां रह रहे थे, अब उन्होंने देखा कि यहां पर कुछ दिक्कत हो रही तो उठ के वो अलग चले गए। भारत हर जगह ऐसा था कि आप कहीं पर जाकर के आराम से निवास कर सकते हो। तो एक व्यक्ति ये बताओ कि अगर मैं अवधि बोलता हूं और अवधि के बाद मैं अगर कहीं विदेश में भी चला जाऊंगा, ठीक है, अमेरिकन भी जाऊंगा, तो मुझे जो जानने वाले हैं, ठीक, उनको मैं अवधि ही तो सिखाऊंगा, यही तो करूंगा। ठीक, वहां की भाषा भले ही मैं जान जाऊं लेकिन मेरी मूल भाषा जो है वो मेरे साथ रहेगी, तो इन मूल भाषा के शब्दों का भी मैं प्रयोग कर सकता हूं। ठीक है, मान लो वहां अंग्रेजी है, उनकी जो लैंग्वेज है, लेकिन किसी हिंदी भाषी क्षेत्र में जाऊंगा मैं, तो वहां पर मैं अवधि का प्रयोग करूंगा, वो लोग भी मेरे शब्दों को जब सुनेंगे तो वो लोग भी सोचेंगे कि इन शब्दों का प्रयोग हम भी करें उनके भी दैनिक व्यवहार में। आप छोटा सा प्रयोग सोचिए अपने साथ कि आप किसी मित्र के साथ रहते हैं जो अलग प्रांत का है, अलग राज्य का है, आप उसके साथ कुछ समय व्यतीत कर लीजिए, आप समझ नहीं पाएंगे कि आपकी भाषा में उसकी भाषा कैसे मिक्स हो गई। ये होता है, आप सारे लोग जानते हो। तो यहीं पर चीजें प्राकृत भाषा के बाद क्या होता है कि भाषाओं में फिर से हर एक भाषाएं, क्योंकि सारे लोग इधर उधर होना प्रारंभ करते हैं और जो जहां पर गया उसमें उसके भाषाओं में धीरे धीरे टूटना प्रारंभ हो गया और यहीं से भाषाओं में औहट्ट नामक एक भाषा का जन्म होता है। औहट्ट में अब रचनाएं और ज्यादा आने लगी। ये औहट्ट जो है ये भाषा प्रेमियों के द्वारा, जिन लोगों ने रचनाओं के प्रारंभ किया उनके द्वारा दिया गया नाम है। ठीक, औहट्ट, इसमें औहट्ट से पहले हम चाहे तो अपभ्रंश को भी रख सकते हैं। ठीक, अपभ्रंश का अर्थ होता है कि किसी चीज का टूटना। ठीक है, अपभ्रंश का होता है मतलब होता है कि कोई चीज जब टूटने लगती है तो यहां से सब कुछ टूटना प्रारंभ हो जाता है, इसी चीज को हमें जानना होता है। ठीक है, अपभ्रंश, फिर औहट्ट या औहट्ट के बाद अपभ्रंश रख सकते हैं। ठीक, चीजें एक ही है, बहुत अंतर नहीं है। जिसको जो भाषा पसंद आ गई उसने उसको औहट्ट कह दिया। देसी बैना सब जन मिठा, ठीक, देसी बैना सब जन मिठा एक प्रसिद्ध कवि है जिन्होंने इसको बोला कि औहट्ट क्या है। औहट्ट के बाद धीरे धीरे हिंदी का जो है पुनरुत्थान होता है और आपको जो अगले रूप के तौर पर मिलना प्रारंभ हो जाती है वो क्या होती है, वो हमारी हिंदी होती। तो हिंदी यहां के बाद आप हिंदी का जन्म होता है। हिंदी के जन्म में भी तीन आपके विभाजन होते हैं। सबसे पहले हिंदी आदिकाल को पढ़ते हैं, फिर हिंदी के मध्यकाल को पढ़ते हैं, फिर हिंदी के आधुनिक काल को पढ़ते हैं, जिस भाषा में हम आप बातचीत कर रहे हैं। ये भाषा हिंदी आने पर नहीं थी, औहट्ट से अपभ्रंश से टूट के हिंदी आई थी। तो औहट्ट से जब हिंदी टूट के आई, ठीक, अपभ्रंश से हिंदी टूट के आई, तो हिंदी का सबसे पहले सैसो काल प्रारंभ होता है। मतलब हिंदी सबसे पहले जब पैदा हुई तो वह शिशु अवस्था में थी। शिशु अवस्था में भी इसके तीन काल विभाजन चलते हैं, उन तीन काल विभाजनों को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मध्य काल के भी तीन विभाजन होते और फिर आधुनिक काल में भी तीन विभाजन होते।
हिंदी का जो काल विभाजन चला, ये काल विभाजन आपका किस अनुसार, जब हिंदी शुरुआत में पैदा हुई इसका शिशुकाल होता है, तो शिशुकाल में हिंदी में कुछ शब्दों में रचनाएं प्रारंभ हुई, उन रचनाओं में कुछ आपके अच्छे जो लेखक आए उन्होंने उन रचनाओं में सुधार प्रारंभ किया, और यह सुधार अनवरत रूप से चलता गया धीरे धीरे। इसी में कुछ वैयाकरण आ गए, क्योंकि पहले संस्कृत थी, संस्कृत के जो वैयाकरण थे जिन्होंने संस्कृत व्याकरण की रचना की, उन्होंने लिखा कि संस्कृत भाषा में कोई लिखा जाएगा, अगर कोई वेद लिखा जाएगा, कोई भाषा लिखी जाएगी, क्योंकि संस्कृत में वेद हैं, उपनिषद हैं, ब्राह्मण हैं, पुराण हैं, बहुत सारी रचनाएं हैं, उन सारी रचनाओं के बहुत सारी किताबें संस्कृत में लिखी गई। तो उन सभी को क्या किया गया, उन सभी के लिखने का एक मानक तय किया गया, संस्कृत व्याकरण पहले आ गई। जब हिंदी का यहां से जन्म होता है, हिंदी अपने पालने में झूल रही होती है, तो हिंदी को परिष्कृत करने वाले बच्चे का जब जन्म होता है घर में, तो बच्चे को पहले लाड प्यार, बच्चा क्या गलत करता क्या सही करता, इन सभी को टोकने वाली माँ होती है। वह धीरे धीरे बच्चों को, जैसे जैसे वह बढ़ता है, समाज का योगदान होता है, हर कोई उस बच्चे को सिखाता है अच्छा क्या है बुरा क्या है। तो वही चीजें, व्याकरण का आना इसीलिए जरूरी हुआ कि व्याकरण में कौन से शब्द अच्छे हैं, कैसी भाषा अच्छी है, कैसी लिपि अच्छी है, इन सारी चीजों के बारे में जिन्होंने रचना की वह आपके वैयाकरण कहलाते हैं। तो वैयाकरणों ने हिंदी व्याकरण की रचना की, उन्होंने यह बताया कि हिंदी व्याकरण अगर है तो हिंदी व्याकरण में इसका परिनिष्ठित रूप क्या होगा, इसका मानक रूप क्या होगा, कोई रचना हम जब करेंगे तो उस रचना को किस जो है मानक के अनुसार, किस लिप के अनुसार, किस लय के अनुसार, किन चरणों के अनुसार हम लिखेंगे, ये पूरा का पूरा जो प्रारूप होगा उसमें लिंग कैसा होगा, वचन कैसा होगा, पूरा विभाजन हुआ, शब्द बनाए गए, शब्दों की रचना की गई, शब्दों की रचना में हर एक स्त्री जाति पुरुष जाति की रचना की गई। जैसे पृथ्वी पर मानो नर नारी था, वैसे ही शब्दों में भी देखा गया कि नर के लिए कैसे शब्द होंगे, नारी के लिए कैसे शब्द होंगे, इनका प्रयोग कैसा होगा, इन सभी के लिए पूरी की पूरी एक नियामक गद्य का नियामक रचा गया, और वह व्याकरण रहा। व्याकरण को पढ़ते हैं तो व्याकरण में जब हिंदी आती है तो हिंदी अपने विकास को पूरा का पूरा क्या करती है, प्रारंभ करती है। हिंदी विकास में बहुत सारी चीजें आती हैं, तो अब हम पढ़ते हैं इसमें क्या आगे बढ़ते हैं। जब हिंदी भाषा को पूरे सही रूप से लिखना प्रारंभ हुआ तो हिंदी भाषा में इसका सही रूप जो हमारे सामने आया वह बनाया गया कि हिंदी अगर लिखी जाएगी तो हिंदी का अपना एक व्याकरण होगा, और हिंदी व्याकरण में कुछ विधान किए गए, इसके कुछ भाग बनाए गए। हिंदी व्याकरण के आपके तीन भाग होते हैं, इसको विधान बोलते हैं भागों को। विधान का अर्थ होता है कि एक ऐसी विधि, ऐसी विधाई प्रक्रिया जिसके अंतर्गत उसका निर्माण हो। तो हिंदी विधान व्याकरण के तीन विधान हैं। सबसे पहला आपके सामने आता है, यह कहलाता है वर्ण विधान, ठीक है, वर्ण विधान। दूसरा जो आपके सामने होता है जिसके लिए नियम बनाए गए, यह होता है शब्द विधान। शब्द विधान के बाद तीसरा जो आपके सामने आता है यह होता है वाक्य जो है विधान, या आप शब्दों में जो लिखा पढ़ते हैं ये विचार लिखा पढ़ते हैं, शब्द विचार, ठीक है, या यहां पर जो होगा मतलब जो किताबों में आम भाषाएं पढ़ते हैं ये विचार पढ़ते हैं, तो उसी लैंग्वेज को मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। अब वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, ये तीन विचार आपके हिंदी में, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत है। मतलब इन तीनों पर क्या किया गया है, एक पूरा का पूरा स्टैंडर्ड इनका तय किया गया, मानक बनाया गया है, ठीक है। छंद जो विधान होता है, छंद विधान इसके अंतर्गत नहीं है। छंद विधान आपका या छंद विचार आपका छंद शास्त्र के अंतर्गत आता है, वह इसके अंतर्गत नहीं है। छंद शास्त्र, ठीक है, छंद की रचना ऋग्वेद में होती है, संस्कृत से सारी चीजें प्रारंभ है, आचार्य पिंगल इसके जनक माने जाते हैं, वह सब कुछ आपके इस जो है सिलेबस में पाठ्यक्रम में नहीं है, लोअर में इसके पाठ्यक्रम में, ठीक है। तो छंद विचार इसीलिए हम यहां नहीं पढ़ेंगे, यहां पर जो हमें पढ़ना है वह वर्ण विचार को पढ़ना है, शब्द विचार को पढ़ना है, वाक्य विचार को पढ़ना है, ठीक है। इसमें वर्ण विचार के अंतर्गत हम किन किन चीजों को पढ़ेंगे, वर्ण विचार के अंतर्गत जो आपका प्रारंभ होता है, सबसे पहले हम जानेंगे वर्ण क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे अक्षर क्या है, ठीक है, ये आपके सिलेबस में है और जो सवाल पूछता है वो है। अक्षर के बाद हम जानेंगे कि शब्द क्या, इसी में शब्द तो आपका अलग हो जाएगा एक तरीके से, ठीक। इसके बाद
जब वर्ण होगा, अक्षर होगा, इसी में हम ध्वनि को जानेंगे, फिर इसी के बाद वर्णमाला को जानेंगे, वर्णमाला के बाद जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, वर्णमाला के बाद जो अगला क्रम होगा यह आपका किसका होगा, वर्णों के उच्चारण स्थान का होगा। ठीक, वर्णों के उच्चारण स्थान को जब हम पढ़ेंगे तो इसके बाद आपके से पूछता है वर्णों की संधि कैसे होती है। ठीक है, वर्णों की संधि क्या है, और वर्णों की संधि जब हम सीख जाते हैं तो यहीं पर आपका बन जाता है वर्तनी क्या है। वर्तनी हालांकि हम शब्दों के अंतर्गत रखते हैं, यहां पर रखना उतना उचित नहीं बनता। तो यह आपका वर्ण विचार है पूरा का पूरा जो आपके सिलेबस में है। वर्ण विचार के अंतर्गत मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा, वर्ण पढ़ाऊंगा, अक्षर के बारे में, ध्वनि के बारे में, वर्णमाला के बारे में, वर्णों के उच्चारण और वर्णों की संधि। अब बात करते हैं शब्द विचार के अंतर्गत क्या क्या है। तो शब्द विचार के अंतर्गत दो चीजें आती हैं, ठीक है, इसमें इसमें शब्द विचार के अंतर्गत सबसे पहली चीज एक होती है शब्द, दूसरा होता है पद। शब्द अलग है, पद आपका अलग है। कहीं कहीं किताबों में आपको मिल जाएगा कि व्याकरण के चार विचार होते हैं, किताबों में मिल जाएगा कि व्याकरण के चार विचार होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और चौथा विचार पद विचार डाल देते हैं, या इसी शब्द विचार के बाद में वो पद विचार और फिर चौथा वाक्य विचार डालते हैं। यहां पर समझिए, शब्द जो होगा और पद जो होगा, पद के अंतर्गत, ठीक है, हम पदबंध को पढ़ेंगे, पदबंध के भेद को पढ़ेंगे, इन सारी चीजों को जानेंगे। शब्द के अंतर्गत शब्द के निर्माण, शब्द का निर्माण आपका चार तरीके से होता है, ठीक, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, ठीक, और अर्थ के आधार पर। ये जो चार तरीके के आपके शब्द बनते हैं, इन चारों तरीके कौन कौन सा, प्रयोग के आधार पर, ठीक है, विकारी अविकारी जो होता है, विकारी अविकारी के चार आपके भेद बनते हैं, ठीक, उनको हम पढ़ेंगे। चार चार भेद दोनों के हैं, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण विकारी के अंतर्गत आएगा, और उसके बाद जो आपका अविकारी होता है, अविकारी के अंतर्गत आपका क्या बनता है, अविकारी के अंतर्गत आपका बनता है क्रिया विशेषण, उसके बाद आपके तीन अव्यय आते हैं, संबंध बोधक जो है, फिर जो है समुच्चय बोधक और विस्मयाद बोधक, वो प्रयोग के आधार पर होता है। रचना के आधार पर फिर हम शब्दों को पढ़ते हैं, रचना के आधार पर तीन प्रकार के शब्द बनते हैं, एक होता है आपका रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द, और तीसरा होता है योगरूढ़ शब्द, ठीक है। उसके बाद हम उत्पत्ति के आधार पर पढ़ते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के जो प्रकार बनते हैं यह आपके कितने हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द बनते हैं, एक तो आपका क्या है, कुछ ऐसे शब्द है इसमें अलग अलग चीजों को मिलाकर बनाए जाते हैं पूरे के पूरे, ठीक, इसमें आपका आता है, जैसे कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमें देसी तौर पर मिले, इनको देशज, विदेशज, ठीक है, आगत, इन्हीं सारी चीजों को पढ़ते हैं। ये उत्पत्ति के आधार पर है कि जो जैसे जहां पर मिल गया। उसके बाद उत्पत्ति के बाद हम पढ़ते हैं, ठीक, रचना हो गई, प्रयोग हो गया, उत्पत्ति, अर्थ के आधार पर शब्द बसते हैं, चौथा प्रकार, जो जैसे समानार्थी, एकार्थी, अनेकार्थी, ये जो शब्द है, ठीक, ये सारे शब्द इसमें चार प्रकार से इनके हम आगे पूरे के पूरे प्रयोग को पढ़ते हैं। शब्दों के बाद ही शब्दों के मेल को पढ़ते हैं जो कि आपका समास होता है और यहां से होता है। इसके बाद इसी के अंतर्गत हम वर्तनी को पढ़ेंगे, ठीक है, वर्तनी के अंतर्गत क्या होगा। तो ये शब्द के व्याकरण, ऐसे ही पूरी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा भी आगे, आपको परेशान नहीं होना। इसके बाद तीसरा जो आपका वाक्य विचार आता है, वाक्य विचार के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे। वाक्य विचार के अंतर्गत सबसे पहले वाक्य जो होते हैं, वाक्य से पहले एक चीज आती है, इसमें दो चीजें मैं डिवाइड कर दे रहा हूं आपके समझने के दृष्टिकोण से। देखिए, वाक्य में दो चीजें हैं, सबसे पहले चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा उपवाक्य क्या होता है। पदबंध से जो अगली इकाई होती है यह उपवाक्य की होती है, ठीक, उपवाक्य के इसके फिर भेद क्या होते हैं इसको हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि उपवाक्य से एक सवाल इसने पूछ लिया था, सिलेबस में तो नहीं उपवाक्य लिखा है, लेकिन उपवाक्य से एक सवाल 19 वाले किसी पेपर में मुझे मिला है, ठीक है। उसके बाद उपवाक्य के बाद यहां पर हम वाक्य को पढ़ेंगे। तो वाक्य की रचना दो प्रकार से बनती है, ठीक है, वाक्य की रचना दो प्रकार से होती है। एक तो वाक्य आपका अर्थ के आधार पर होता है, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है, आपने पढ़ा होगा सकारात्मक, नकारात्मक, ठीक है, निषेधात्मक, आज्ञात्मक, ये सारे जो होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य आपके सिलेबस में नहीं है, यूपी ट्रिपल एससी में नहीं है, उसने लिख रखा है, आपसे सिर्फ रचना के आधार पर वाक्य पूछेगा जो कि आपके सिलेबस में है, कि रचना के आधार पर वाक्य कौन कौन से होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के तीन रूप होते हैं,
एक क्या होता है सरल वाक्य या साधारण वाक्य, दूसरा क्या होता है मिश्र वाक्य, और तीसरा क्या होता है संयुक्त वाक्य। तो इसमें हमें जो पढ़ना होगा सरल वाक्य क्या होते हैं, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में कैसे बदलते हैं, क्योंकि पूछता है निम्न में से कौन मिश्र वाक्य का उदाहरण नहीं। दूसरा जो पॉइंट इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे वह पॉइंट आपका इसी के अंतर्गत जो आता है, मतलब रचना के आधार पर शब्द के बाद जो आता है यह आता है वाक्य शुद्धि अशुद्धि, क्योंकि वाक्य शुद्धि और अशुद्धि से जो सवाल है यह तीन से लगभग तीन से चार सवाल देखने को आपको मिल जाएंगे। तो ये पूरा डायमेंशन मैंने आपको बताया कि मैं आपको कितनी कितनी चीजें इसमें हिंदी व्याकरण में पढ़ाऊंगा यहां से। उसके बाद एक आपका इसी के अंतर्गत आता है जो, ये तो व्याकरण पूरा हो गया, व्याकरण के बाद लेखन क्षमता जो आती है, लेखन क्षमता में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, आपठित गद्यांश को मैं आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि इसमें शीर्षक वगैरह से सवाल मान लीजिए पूछ लेगा तो इसको हल करवा दूंगा, ठीक है। आपठित गद्यांश में क्या क्या चीजें पढ़नी होती है, ठीक। दूसरी चीजें इसके अंतर्गत जो आता है वो आपका क्या है, पत्र लेखन इसी के अंतर्गत है, ठीक है। पत्र लेखन में क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे हैं, उन सारी चीजों विधाओं को पढ़ेंगे इसी में। अगर मान लीजिए कोई अन्य चीजें भी आपकी शामिल हो गई तो उसको भी हम इसी में सब कुछ कवर करेंगे, ठीक। तो यहां पर मैंने पूरा खाका आपके सामने लिख रखा है कि क्या चीजें किस आपके सिलेबस के अंतर्गत कितना कुछ है, क्या चीजें आपको पढ़नी होती है, ठीक। अब इसमें अब हम आगे बढ़े दूसरी बातों को करते हैं। जो लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो लोग ले सकते हैं कि क्या चीजें कैसे हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। ऐसे ही चीजें पूरी आपके पूरे प्रक्रम में चलती हैं, मतलब आपको सिलेबस अगर खाका तय करना है अपना तो इस हिसाब से आप अपना खाका तय कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद जस्ट आपका अगली चीज अगर बात करें इसमें, तो मैं आपसे बात कर रहा था कि भाषा आपकी कैसे उत्पत्ति हुई, हिंदी भाषा आपकी कैसे आई। हिंदी भाषा उत्पत्ति के बाद जब हम दूसरी चीजें देखते हैं तो हिंदी भाषा के बाद हिंदी जो है इसमें क्या चीजें आपको कैसे पढ़नी है, इस बारे में जैसे मैंने अभी पूरा का पूरा जो है खाका आपके सामने खींचा, तो इस खाका खींचने के पीछे उद्देश्य क्या है, वो ये चीजें हैं कि जैसे हिंदी भाषा हमें पढ़नी है तो भाषा में कैसे आपको सिलेबस पढ़ना चाहिए, किस अनुसार सिलेबस आपका होता है, पाठ्यक्रम कैसे कवर किया जाता है। देखिए सबसे पहले जो बात करें, ठीक है, यहां से सवाल भी आपके बनते हैं। सबसे पहली जो आपकी हिंदी भाषा होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, ठीक है। वर्ण के बाद इसमें हम ऊपर बढ़ते हैं, इससे बड़ी इकाई हो जाती है अक्षर। अक्षर के बाद ऊपर जैसे बढ़ते हैं तो इसके बाद आपका प्रारंभ हो जाता है जो है शब्द या पद बोल सकते हैं, ठीक है, पद बोल सकते हैं, या यहीं से शब्दों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। शब्दों के बाद यहां पर शब्दों के भेद और सब कुछ पढ़ते हैं। यहां पर अगला जो आता है यह पदबंध हो जाता है, मतलब इसी अनुसार मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है। पदबंध के बाद आपका क्या बनता है अगली चीज, इसी में पदबंध के बाद उपवाक्य आते हैं। ये नीचे से ऊपर चढ़ने की सीढ़ी है, कैसे कैसे ऊपर चढ़ते हैं भाषा में। उपवाक्य के बाद हम यहां पर क्या पढ़ेंगे, वाक्य को पढ़ेंगे। वाक्य के बाद फिर आपका भाषा होती है। तो ये नीचे से ऊपर का क्रम है। अगर इसी चीज को थोड़ा सा मैं और डिफाइन करूं तो यहां पर जो शब्द है इसमें शब्द के पूरे प्रकार को पढ़ेंगे, ठीक है, शब्द के पूरे प्रकार को पढ़ेंगे। प्रकार में आपके जो चार तरीके से आपके शब्द होते हैं, इनके चारों प्रकार को पहले बहुत विधिवत ढंग से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि यहां से लगभग 8 से 10 सवाल आपके बनते हैं, ठीक है। तो ये भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्ण के बाद अक्षर की ओर बढ़ते हैं, फिर शब्द की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, पद की ओर, पदबंध, उपवाक, वाक्य और भाषा। ये नीचे से ऊपर का क्रम होता है, इसी को हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो आज सबसे पहले मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूं वह है वर्ण या वर्णमाला। आज की आपकी अब टॉपिक शुरू होती है कि वर्णमाला क्या है, ठीक है। हिंदी वर्णमाला के बारे में हम बात करते हैं तो वर्ण है क्या, वर्ण के बारे में अगर देखा जाए तो वर्ण क्या है आपका, वर्ण वह है कि जिस किसी भी शब्द को बोलने पर, ठीक है, आप जो ध्वनि सुनते हो वह वर्ण हुआ है एक तरीके से, ठीक है। जैसे मैंने बोला राम, अब राम ये जो शब्द लिखा है, अब मैंने यह बताया कि वर्ण क्या है। अगर वर्ण की परिभाषा को देखी जाए तो किसी भी शब्द के बोलने पर जो ध्वनि सुनाई पड़ती है वह वर्ण है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इन दो बिंदुओं को नोट करिए, इससे दोनों से सवाल पूछा है। एक तो वर्ण आपकी भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है,
सबसे छोटी इकाई है कौन सी? वर्ण आपकी, ठीक है, सबसे छोटी इकाई वर्ण हो। और वर्ण की परिभाषा क्या होती है कि किसी ध्वनि को बोलने पर, किसी ध्वनि को बोलने पर नहीं, किसी शब्द को बोलने पर जो ध्वनि सुनाई पड़ती है, जो ध्वनि सुनाई पड़ती है वह क्या कहलाती है? वह वर्ण है। तो इसकी परिभाषा आपकी क्या हो गई? वर्ण की, कि किसी शब्द को बोलने से जो ध्वनि सुनाई पड़ती है वह आपकी वर्ण होती है। अब मैंने एक शब्द बोला आपके सामने, वो क्या बोला? राम, ठीक, यह एक शब्द है। अब इस शब्द की ध्वनि को आपने सुना कि मैंने बोला राम, ठीक, राम जो कानों में गई, ठीक। अब यहां पर समझिए, इसमें शब्द तो देखें तो शब्द तो आपका एक लिखा है राम, लेकिन वर्ण को समझते हैं तो इसमें जो आपके वर्ण लिखे हैं वह क्या क्या लिखे हैं? जो रा बोला गया, रा के बाद आ आया, उसके बाद जो है इस पर रा के बाद बड़ा आ की मात्रा लगी है, फिर आपका मा है, मा के बाद इस पर आ की मात्रा है, ठीक। इन सभी से सारी चीजें मिला के फिर आपका क्या पूरा हुआ यह है, या इसके बीच में हम ऐसा भी बोल सकते हैं, आ की भी मात्रा है, उसके बाद बड़ा आ है, फिर मा है, मा के बाद बड़ा आ है। ऐसे दूसरा एक आपके सामने मैं रख रहा हूं, दूसरा एक उदाहरण है, जैसे मैंने बोला कमल, ठीक। अब कमल यह जैसे आप सबसे पहले जब प्रारंभ करते हैं, याद करिए, आज मैं कक्षा 3 और 4 की आपको फिर से याद दिला दे रहा हूं। कक्षा 3-4 नहीं, सबसे शुरुआती होता है, सबसे शुरुआती तो यही चीजें लिखा रहती है। सबसे पहले वर्णमाला सीखते हैं, फिर वर्णमाला में का धन मा धन ला बराबर कमल, ठीक, ता धन जो है दा बराबर तद, ऐसे तो पढ़ाते हैं पंडित जी, तो वही मैं पढ़ा रहा हूं आपको वर्णमाला। कमल है, तो कमल यह शब्द आपको मैंने बोला। अब इसमें जो कानों में ध्वनि गई वह क्या क्या गई? का मा ल कमल। अब इसमें कमल में देखिए, इसमें वर्ण देखें तो का धन आ धन मा धन आ धन ला धन आ। अब यहां जो हलंत लगाया, हलंत लगाने का मतलब क्या है कि इसमें जो प्रोनंसिएशन है वह स्वर की नहीं है। यहां जो आ लिखा ये सभी स्वर है, तो कमल का जब उच्चारण करते हैं तो इसमें हम क्या बोलते हैं? कोमल, ठीक। मतलब सभी आपके वर्णों में आ की आपको साफ साफ ध्वनि सुनाई पड़ती है। तो इसमें आपसे पूछे कि अक्षर कितने लिखे? 3, लेकिन इसमें वर्ण कितने लिखे? वर्णों की संख्या आपके 2, 2, 4, 2, 6 लिखी है, ठीक है। ये चीजें होती है वर्ण की। हिंदी वर्णमाला में आगे बढ़ते हैं, अक्षर की परिभाषा को देखते हैं। अक्षर क्या है? अक्षर की परिभाषा की अगर बात की जाए तो अक्षर वह होता है, इसको व्याकरण में बोला जाता है, संस्कृत व्याकरण में जो आपका क्षर, ठीक, एक धातु होती है, उस धातु में आ आपका लगा दिया जाता है प्रत्यय, और उससे बनता है क्या? अक्षर का निर्माण होता है। इसको जो परिभाषित किया गया है वह यह किया गया कि ना क्षरति इति अक्षरः, जिसका क्षरण ना हो सके वह अक्षर है। ना क्षरति इति अक्षरा, यह अक्षर की परिभाषा है, यानी जिसका क्षरण ना हो सके, जिसको और आप तोड़ फोड़ ना सको वह अक्षर है, ठीक है, तो वो अक्षर कहलाता है। यहां पर जो हम पढ़ने जा रहे हैं अगली चीज, ठीक, अगली चीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अक्षर के बाद ऊपर बढ़ते हैं वर्णों की ओर। जब हम चलते हैं तो वर्णों में, वर्णों का जो आपका व्यवस्थित क्रम होता है, समूह होता है, यह वर्णमाला कहलाती है, ठीक है। वर्णों का व्यवस्थित क्रम या समूह वर्णमाला कहलाता है। अब बात आती है कि हिंदी व्याकरण में वर्णमाला में क्या क्या चीजें मिलती हैं। हिंदी वर्णमाला में अगर सामान्य देखें, सामान्य स्तर पर बता रहा हूं आपकी परीक्षा की दृष्टि से, दूसरी चीजें हैं वो भी मैं जिक्र करूंगा। सामान्य स्तर से अगर देखें, सामान्य रूप से वर्णमाला के 2 भेद होते हैं, पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। इन दोनों को मिलाकर जो वर्णों की संख्या होती है यह 52 वर्ण होते हैं। यह सामान्य रूप से है जब हम व्याकरण को पढ़ें, लेकिन परीक्षा की दृष्टिगत जब इसको हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो वर्णमाला के आपके 3 विभेद भी बनते हैं, ठीक, 4 विभेद भी बनेंगे, आगे उनके विभाजन होंगे, बहुत कुछ है। तो यहां पर जो हमें समझना है कि स्वरों में और व्यंजनों में अगर हम परीक्षा की दृष्टि से इसको पढ़ते हैं तो इसमें हमेशा याद रखिएगा, जब आप लिखते हो तो लिखने में 13 स्वर्ण लिख जाते हैं। मान लीजिए सवाल ऐसा पूछ ले कि लेखन की दृष्टि से वर्णमाला
में कितने आपके वर्ण हैं, तो लेखन जब आप करते हो तो 13 स्वर लिखते हो सीधा सीधा, उसके बाद आप व्यंजन प्रारंभ करते हो और 13 के बाद आप 39 व्यंजन लिख देते हो और वहीं पर 52 वर्ण आपके पूरे हो जाते। तो लेखन की दृष्टि से हम कभी भी स्वर और व्यंजन में विभेद नहीं करते। हम अगर लिख रहे हैं और हमने स्वर लिखना प्रारंभ किया तो इसमें हम 13 पहले लिख देंगे उसके बाद ही कुछ करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि इसमें हम सब कुछ अलग अलग करेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि स्वर क्या है और व्यंजन क्या है, क्यों इनको अलग किया गया। स्वर वह है जो निर्बाध रूप से बोले जा सके, यानी जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो वह स्वर कहलाते हैं। व्यंजन क्या है, व्यंजन वह है जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वह व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, व्यंजन वह है जो स्वरों की सहायता से बोले जाए, और स्वर क्या है, स्वर वह है जो निर्बाध रूप से स्वतंत्र रूप से बोले जाते वह स्वर कहलाते हैं। अब परीक्षा की दृष्टि से इसमें विभेद कैसे होता है वर्णमाला में, इस बात को समझिए। परीक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वर्णमाला में 3 भेद देखने को मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन से, पहला जो इसका भेद होता है यह होता है स्वर, दूसरा जो होता है यह आपका क्या होता है, अयोगवा। ठीक है, और तीसरा जो होता है वह होता है व्यंजन। ठीक है, या अयोगवाह की जगह पर इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं आपका जो सबसे बेस्ट होगा एक तरीके से वो बनेगा क्या, अगर इसमें सबसे बेस्ट इसको बोले ठीक इसकी जगह पर, तो यहां रख सकते हैं स्वर, दूसरा हम विभेद कर सकते हैं व्यंजन, और तीसरा विभेद कर सकते हैं विसर्ग। विसर्ग बोलना ज्यादा सही होगा। ठीक है, हालांकि आगे अभी परिभाषा में बताऊंगा वो है रियल में अयोगवाह ही। ठीक है, अब 3 भेद आपकी परीक्षा की दृष्टि से होते हैं कि स्वर होता है, व्यंजन होता है, विसर्ग होता है। बात आती है स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, विसर्ग क्या है। स्वर मैंने बताया कि वह है जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से या निर्बाध रूप से किया जा सके। अब बात आती है व्यंजन क्या है, व्यंजन वह है जो स्वरों की सहायता से बोला जाए, और तीसरी बात आती है विसर्ग क्या है, तो विसर्ग जिसको स्वर और व्यंजन किसी श्रेणी में नहीं रखते वह विसर्ग के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब इसमें ज्यादा उचित तो यह है कि इसको हम अयोगवाह बोलते हैं। ठीक है, इसको अयोगवाह कहना तीसरा जो आपका पॉइंट है यह ज्यादा उचित होगा। ठीक है, तीसरा जो आपका पॉइंट है इसको अयोगवाह कहना ज्यादा सही होगा। अयोगवाह के अंतर्गत आपके 2 आते हैं, एक तो आपका अनुस्वार इसी के अंतर्गत शामिल है और दूसरा जो शामिल है वह विसर्ग है। ठीक है, आप अनुस्वार को क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं, और विसर्ग को आहा बोलते हैं, ये दोनों अयोगवाह के अंतर्गत हैं। मतलब ऐसे जो स्वरों के बारे करेक्टर भी दिखाएं और व्यंजन के भी करेक्टर दिखाते हैं उनको अयोगवाह की श्रेणी में रखते हैं। अयोगवाह की संख्या हिंदी वर्णमाला में 2 है, जिसमें एक अनुस्वार अंक आता है, दूसरा विसर्ग आपका अहा आता है। व्यंजन के अंतर्गत देखें तो इनका विभेद भी आपका बहुत सारे अलग तरीके से होता है। अब स्वरों की संख्या यहां कितनी हो गई, 11 हो गई। ठीक, 2 उधर चले गए 13, और इसमें जो आपके बचे रहते हैं वह 39 रहते हैं। लेकिन क्या ये चीजें एकदम परफेक्ट हैं? अब आगे बढ़ते हैं व्यंजनों में और विभाजित करते हैं। स्वर के अंतर्गत जो 11 आपके लिखे जाते हैं इनमें देखिए, स्वरों के अंतर्गत स्वर की बात किया जाए तो स्वर के बहुत अलग अलग विभेद आपके बनते हैं। यहां पर परीक्षा की दृष्टि में जैसा वीडियो की परीक्षा में पूछा, ठीक, स्वरों में जो हम सामान्यता पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कि स्वर आपके क्या है, एक तो दीर्घ स्वर होता है, दूसरा आपका हर्ष होता है। ठीक, तो दीर्घ और हर्ष स्वरों को हम पढ़ते हैं, यही चीजें क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। हम अब के अनुसार UP SSC जो आपकी परीक्षा करवाने जा रही है इस अनुसार स्वरों के 3 भेद बनेंगे, कौन कौन से। ठीक है, जैसा कि सवाल इसने वीडियो की परीक्षा में आपके पूछा था, इसमें 3 भेद बनते हैं स्वरों की, जो आपके 11 स्वर हैं, इसमें एक स्वर आपका क्या होगा, हर्ष स्वर होगा। ठीक है, दूसरा जो बनेगा हर्ष के बाद आपका दीर्घ बनता है, और दीर्घ के बाद तीसरा जो विभेद बनता है वह किसका होता है, इसमें एक तरीके से हम बोल सकते हैं संयुक्त स्वर। ठीक है, यह संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर से सवाल इसने उठाया था। अब हर्ष की अगर हम बात करें तो हर्ष के अंतर्गत 4 आते हैं, आ, ई, उ और आपका रि, ये 4 आपके हर्ष हैं, यानी हर्ष स्वरों की संख्या हिंदी व्याकरण में 4 है।
दूसरी हम बात करते हैं इसके बाद, ठीक, संयुक्त स्वर की, तो संयुक्त स्वरों की संख्या आपकी ए, ए, ओ और औ, ये चार आपके जो है ये संयुक्त स्वर कहलाते हैं। बाकी जितना बच गया वो सभी आपके दीर्घ के अंतर्गत हैं। इसके अंतर्गत जैसे बड़ा आ हो गया, बड़ी हो गया, ठीक है, बड़ा ऊ हो गया, और उसके बाद कौन सा बच रहा, अंकाहा, इसके अंतर्गत है नहीं, वह अयोगी वाह के अंतर्गत है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। अभी हम ऊपर बता चुके हैं, तो ये इसके अंतर्गत है। चार चार आठ और तीन ग्यारह यह आपके किसके अंतर्गत हैं, दीर्घ के अंतर्गत है। ये नई परिभाषा के अंतर्गत है, अगर ट्रिपल एससी में जाना है तो इस परिभाषा को, इस पूरे पार्ट जो है चीजों को याद रखना, ठीक, क्योंकि एक सवाल पूछा था इसमें से कि निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है, और उसमें रख दिया था आ को, ई को, ठीक, ऊ को, और एक इसमें से ए को रख दिया था, ठीक है। जो सवाल आपसे पूछा था कि निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है, उसमें ए को रख दिया, आ को, ई को और ऊ को रख दिया। अब आप तो पढ़े हैं कि दीर्घ स्वर सात होते हैं जिनमें चार ये भी काउंट होते हैं, वहां पर बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न को गलत करके आए, ठीक। तो मेरे समक्ष जब प्रश्न आया तो मैंने उनको चूंकि ये याद दिलाया कि कभी आपने पढ़ा होगा, तो यहां पर चीजें क्या है, यहां तीन विभेद, एक ह्रस्व बनता, दूसरा दीर्घ बनता और तीसरा संयुक्त स्वर बनता है, ठीक। ये आज की आपकी डेफिनेशन है जिस अनुसार आपसे सवाल पूछा है, वीडियो की परीक्षा में संयुक्त स्वर पर एक सवाल पूछ चुका है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद, अब स्वर को अगर देखें, स्वरों में ये चीजें स्क्रीनशॉट जो लोग लेना चाहें वो ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इन चीजों को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि स्वरों के अंतर्गत अब आपके ऐसे बनते हैं, ठीक है, ए औ, ओ औ, ठीक है, ओ आए, ये जो है ए आए, ए आए, ठीक है। इसमें क्या है, वैसे कहीं कहीं आपको दो तरीके, केवल कुछ आपके वैयाकरण इसको दो मान सकते हैं, ठीक, कि जो ए है, आई को जब बोलते हैं तो यही तो हुआ आई का उच्चारण, आई, ठीक, ओ औ, तो कुछ लोग इसको दो भी मानते हैं, ठीक, कि आई औ जो आपका बन रहा है ये दो हो सकता है, लेकिन इसमें चार माने जाते हैं जिस अनुसार सवाल भी पूछे जाते हैं और जैसा अच्छी किताबों में देखने को मिलता है, ठीक है। अब आगे इसके बाद बढ़ते हैं, अगली चीजें हैं स्वरों में जब हम जो है इसमें लगने वाले समय के हिसाब से विभाजित करते हैं स्वरों को, ठीक, लगने वाले समय के अनुसार, तो लगने वाले समय के अनुसार भी इसका विभाजन तीन प्रकार बनता है, ठीक। एक आपका बनता है प्लुत स्वर, प्लुत स्वर के बाद दूसरा जो बनता है यह बनता है आपका दीर्घ स्वर, ठीक है, और एक तीसरा जो आपका बन जाता है, ठीक, इसको ऐसे भी रख सकते हैं या ह्रस्व दीर्घ में मात्रा के हिसाब से समझे तो वो और चीजें कंफर्म होगी, इसको मात्रा के हिसाब से मैं बता रहा हूं, थोड़ा मात्रा के हिसाब से ये चीजें और विभाजन आपका स्पष्ट होगा। देखिए पहला जो चीजें होती हैं, ठीक, इसको मात्रा कर लीजिए, समय नहीं, क्योंकि ये इसी के अंतर्गत है, मतलब इसका जो वर्गीकरण किया गया है वो वर्गीकरण इसी के अंतर्गत है, अभी समझ जाएंगे आप। मात्रा के हिसाब से आपके स्वर एकमात्रिक होते हैं, ठीक है, एकमात्रिक के बाद दूसरा जो इसमें बनता है द्विमात्रिक स्वर बनता है, और तीसरा जो इसका विभेद किया गया है वह आपका त्रिमात्रिक स्वर बनता है, ठीक है, त्रिमात्रिक होता है। अब मैंने यहां पर आपको यहां पर समय क्यों हटा दिया, क्योंकि ये जो उच्चारण काल है इन्हीं के आधार पर, जो इसमें उच्चारण में समय लगा उसी के आधार पर मात्राएं तय की जाती हैं, तो वह इसी के अंतर्गत क्या है, एक उपभेद मान सकते हो, इसका वर्गीकरण है। एक मात्रिक आपके वही चार बोले जाते हैं, आ, ई, ऊ और री, जिनकी एक आपकी मात्राएं होती हैं, इनको एक मात्रा के अंतर्गत काउंट करते हैं, जिनको बोलने में सबसे कम समय लगता है ये एक मात्रिक, द्विमात्रिक जिनको बोलने में एक मात्रिक से ज्यादा समय लगता है वह द्विमात्रिक, और त्रिमात्रिक इसके अंतर्गत प्लुत स्वर को रखा गया है, ठीक है, मतलब जिसको बोलने में सबसे ज्यादा समय लगता है वह त्रिमात्रिक, जैसे ओम, ठीक है, राम, जो नाटक होते हैं नाटकों में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वहां पर ये आपका डमरू वाले बाबा का जहां निशान मिलने लगे, ठीक है, डमरू वाले बाबा, वहां पर समझ जाना कि वो प्लुत स्वर है, प्लुत स्वर के अंतर्गत ये त्रिमात्रिक स्वर का उदाहरण है, इनमें तीन मात्राएं लगती हैं, यानी इसको बोलने में सबसे ज्यादा आपका समय लगता है। तो ये स्वर में चीजें आ गई। स्वरों में इसके अलावा अगर देखते हैं, ठीक है, कुछ और इसके विभेद किए गए, जैसे मैंने आपको उधर बताया
कि पूरी चीजें आपकी चली कि अच्छा ये आपके ठीक है हरस्व स्वर है, ये दीर्घ स्वर है, ये संयुक्त स्वर है, तो उसमें संयुक्त में भी वही चीजें रहती हैं। इसके बाद थोड़ी सी चीजें मैं आपको तेजी से बताने का प्रयास करता हूं, ठीक है। मैंने सब कुछ कैटेगराइज कर दिया है, वो चीजें क्या है। व्यंजनों को हम लोग देखते हैं, चूंकि इसमें व्यंजनों की अगर संख्या देखी जाए तो व्यंजनों में सबसे पहला व्यंजन जो आता है ये स्पर्श व्यंजन होता है। स्पर्श व्यंजन क्या है, जो आपके देखो सबसे पहले उच्चारण जो देखा जाए, ठीक, उच्चारण में क्या चीजें बनती हैं, उच्चारण में कौन कौन से अंग काम आते हैं। देखो उच्चारण की बात करें जाए, सबसे पहले आपका कंठ होता है, ठीक है, गला, कंठ। कंठ के जस्ट ऊपर बढ़ोगे तो आपका क्या होता है, तालु होता है। कंठ से ऊपर तालु होता है, कंठ से जो वर्ण निकलते हैं उनको कंठ बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो तालु से निकलते हैं वह तालब भी कहलाता है। उसके बाद ऊपर जो जीभ के ऊपर मुंह का ऊपर वाला पार्ट होता है ऐसे मुड़ा हुआ, ठीक है, जहां पर जीभ आपके ऊपर लटती है यह आपका क्या होती है, मूर्धा होती है। मूर्धा से भी वर्ण जो निकलते हैं वो मूर्धनि कहलाते हैं। उसके बाद दांत आपके होते हैं, दांतों से जो वर्ण निकलते हैं इनकी सहायता से उच्चारित होते हैं उनको दंत कहते हैं। उसके बाद जीभ होती है, ठीक, जीभों में इसके आगे पीछे उतार चढ़ाव ऊंचाई जो है ऊंचाई के आधार पर प्रयत्न के आधार पर आगे अभी मैं बहुत तरीके से अग्रस्वर पश्चस्वर मध्यस्वर क्या होते हैं इनके आधार पर भी हम देखेंगे। उसके बाद आपके होंठ होते हैं, होंठों के आधार पर भी स्वरों का उच्चारण होता है। इन सारी चीजों को हम अभी आगे बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो स्पर्श स्वर जो हमारे वर्णों का उच्चारण होता है, वह वर्णों का उच्चारण जितनी चीजें मैंने आपको बताई, नाक भी उसी में शामिल है, होंठ है, जीभ है, दांत है, मूर्धा है, कंठ है, ठीक, उसके बाद तालु है। तो जिन इन सारी चीजों को जो हवा जब हम किसी वर्णों का उच्चारण करते हैं तो वहां से निकलती वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये 5x5 की मैट्रिक्स होती है, मतलब का खा गा घा अंगा, चा छा जा जा इया, टा ठा डा ढा अडा, ता था दा दा ना, पा फा बा बा मा, ये 5x5 सीधा सवाल पूछता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या हिंदी व्याकरण में कितनी है, तो इनकी संख्या आपकी 25 होती है। आगे बात करते हैं स्पर्श के बाद, ये व्यंजन के विभेद हैं, अंतास्त व्यंजन होता है, ठीक है, अंतास्त व्यंजन की संख्या 4 है, या ला रा वा, ये 4 आपके अंतास्त व्यंजन माने जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं तीसरा जो इसमें विभेद बनाया गया वह संघर्षी व्यंजन का कहलाता है। इनसे डायरेक्ट सवाल पूछता है, पहले तो मैं डायरेक्ट पर चर्चा कर रहा हूं कि इनकी संख्या कितनी, अभी और अच्छे से बता रहा हूं आगे, ठीक, इनकी संख्या भी 4 है, श श सा हा, क्या है ये, पंडित जी ने क्या पढ़ाया होगा, सेंट बोरस, मतलब प्राइमरी में जो लोग पढ़े होंगे वो सेंट बोरस के विद्यार्थी हैं, ठीक है, मतलब बोरा लेकर घर से जाओ यार, वहीं तो सेंट बोरस, अपने स्कूल की थोड़ी इम्पेजती करेंगे। आजकल सेंट माइकल, सेंट जेवियर, पता नहीं क्या क्या नाम है, तो हम लोग चूंकि प्राइमरी वाले विद्यार्थी तो प्राइमरी में बोरा लेकर घर से जाते थे, ठीक, तो उसका नाम क्या है, सेंट बोरस है प्राइमरी का, तो वहां पर जो हमारे जो है ठीक टीचर लोग पढ़ाते थे वो क्या पढ़ाते थे पंडित जी, ये तलब जो है कौन, सलजम वाला सा है, ये पेटचिरवा सा है, यही तो पढ़ाए, या सटकोड़ वाला सा है, ये सरौता वाला सा है, तो हमें ऐसे नहीं पढ़ना है। हम अब पंडित जी ने जो सिखाया, जो राह दिखाई, उसमें हम परिष्कृत रूप में आ चुके हैं, हिंदी के मानक चीजों को पढ़ ले। ये आपका श है, ठीक, ये श है और ये सा है, श स श, तीनों में अंतर है, ठीक, ये सा जो है साधारण सा है, ये आपका षटकोण जो बोलते हैं वो नहीं बोलना अब, और ये आपका जो है सलचम वाला नहीं है, ये आपका हा है। तो इसके अंतर्गत 4 है संघर्षी, संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत 4 रखे गए हैं, छ त्रा ज्ञा स्रा, ये 4 आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं, क्योंकि इनका मेल, ठीक, व्यंजनों के आपसी मेल जो है संयुक्त होने से होता है। और अंतिम में द्विगुण व्यंजन आता है, द्विगुण में डा और ढा को रखा गया है, ठीक है, ये इनकी संख्या भी 2 होती है। तो इस अनुसार जब आप देखोगे 25 वो 4 ये 29, 4 33, 4 37 और 2 39, व्यंजन की संख्या आपकी 39 होती है, जो इस अनुसार विभेद होता है। 25 कौन सा होता है, स्पर्श, 4 आपके अंतास्त बनते हैं, 4 संघर्षी होते हैं, 4 संयुक्त होते हैं, 2 आपके द्विगुण होते हैं, ठीक, ये 39 व्यंजन है। आगे बढ़ते हैं स्वरों में, तो मैंने बता ही दिया, ठीक,
ये मैंने बताया ही कि कौन स्वर के भेद जो होते हैं, ये चार आपके हरस्व होते हैं, दीर्घ होते तीन और संयुक्त होते हैं आपके चार, कुल मिला के ये 11 वर्ण आपके स्वर के अंतर्गत हैं। मात्रा के आधार पर मैंने बताया ये एक मात्रिक हैं, ये आपके द्विमात्रिक स्वर है और त्रिमात्रिक जहां पर जो नाटक में शब्द प्रयोग किए जाए, ओम बोला गया, ओम नमो नमः वासुदेवाय नमः, तो इसमें क्या है, ये आपका ज्यादा समय ले गया, त्रिमात्रिक हो गया। अब कुछ शब्दों को मैं आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि जो सवाल आपको मिला है मुझे, उस सवाल के आधार पर मैं आपके सामने कुछ परिभाषाएं रख रहा हूं। अनुनासिक वर्ण क्या होते हैं, सवाल मैं सबसे पहले आपसे पूछूं अनुनासिक क्या है, तो अनुनासिक वर्ण की जो परिभाषा है इसी से परिभाषा सवाल उठाया। हमेशा याद रखना कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है वो वर्ण अनुनासिक कहलाते हैं, नाक और मुंह दोनों से हो। जैसे ठीक इसके उच्चारण में समय थोड़ा कम लगेगा, इस बात को ध्यान रखना, मैंने उदाहरण सहित आपके सामने रखे। जैसे आपका पहला उदाहरण है गांव, आप बोलिए गांव, मुंह से भी उच्चारित हुआ, नाक से भी हवा आई, दोनों से उच्चारित हुआ, तो यह किसके अंतर्गत है, यह अनुनासिक के वर्णों के अंतर्गत है, यानी यह जो चांद बिंदी वाली मिलती है, चांद बिंदी वाले जो वर्ण मिलेंगे वह अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। समझ गए, चांद बिंदी किसमें है, यह अनुनासिक है क्योंकि इसको बोलोगे तो मुंह और नाक दोनों से हवा निकलेगी। दूसरा अब मैं आपसे पूछता हूं परिभाषा अनुस्वार क्या है, बताइए, अभी मैंने जिक्र किया था अनुस्वार का, अनुस्वार क्या है, इनकी परिभाषाओं से सवाल पूछे गए और लोअर मेंस में परिभाषाओं से सवाल, क्योंकि व्याकरण से लगभग 3 प्रश्न बनने की उम्मीद बनती है। बताइए अनुस्वार क्या है, अनुस्वार वह वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण केवल नाक से होता है, अनुस्वार वह वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण नाक से होता है, जैसे आपके सामने है क्या, अंगूर, बंदर, कंकड़, ठीक, यानी जब आपके किसी वर्ण के ऊपर एक बिंदी रख दी जाए तो यह अनुस्वार वर्ण होता है। ठीक, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण केवल नाक से हो वह अनुस्वार होते, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण किससे, नाक और मुंह दोनों से होता है वो आपके क्या कहलाते, वो आपके किसके अंतर्गत है, अनु जो है अनुस्वार के अंतर्गत है। तो चांद बिंदी अनुस्वार है, अनुनासिक क्या है, आपकी एक सिंगल बिंदी अनुनासिक है। अब बात आती है निरन्नासिक क्या है, अनुनासिक आपने पढ़ लिया तो निरन्नासिक के बारे में बताओ। ठीक, निरन्नासिक जो होते हैं केवल मुंह से बोलने जाने वाले वर्ण आपके स्वर वर्ण जो होंगे, याद रखना यही आप कंफ्यूज हो जाओगे, केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर वर्णों को निरन्नासिक बोलते हैं। ठीक, आगे चीज आगे इसके बाद बढ़ते हैं, जैसे कुछ शब्दों को मैंने लिखा है अनुस्वार में, अनुस्वार में जैसे आप बोलोगे अंगूर, कंकड़, बंदर, वायु कहां से निकल रही, नाक से निकल रही है, ठीक है, कंकड़। आगे इसके बाद विसर्ग क्या है, विसर्ग का हिंदी भाषा में प्रयोग बहुत ही कम मिलता है भैया, इसका प्रयोग सबसे ज्यादा संस्कृत व्याकरण में आपको मिलेगा। ठीक है, ठीक, जैसे यहां बोलते वाह, वह जा रहा है, ठीक, वह जाएगा, अब संस्कृत में क्या बोलते हैं, सागच्छति, सह, सा के बाद हा की आवृत्ति आई, विसर्ग आया, तो सबसे ज्यादा जो विसर्ग का प्रयोग है वह संस्कृत व्याकरण में है। संस्कृत व्याकरण से तत्सम शब्दों का प्रयोग हिंदी में हुआ है तो हिंदी में विसर्गों का प्रयोग सिर्फ तत्सम शब्दों में मिलता है, यानी सबसे ज्यादा जो विसर्ग का प्रयोग होता है वह कहां होता है, वह संस्कृत व्याकरण में है। ठीक है, तो विसर्ग अपने यहां प्रयोग बहुत कम है, ये हमेशा स्वर के बाद उच्चारित होते हैं। दूसरी बात को याद रखना कि विसर्ग हमेशा स्वरों के बाद उच्चारित होते, जैसे बोला गया दुख, ठीक है, मनहस्ताप, मनह, ठीक, दुख, अब ये सारी चीजें जब भी आएंगी तो हमेशा इनका स्वरों के बाद स्थान होगा। ऐसा सवाल पूछ सकता है कि निम्न में से किसका स्थान स्वरों के बाद होगा या किसको स्वरों के बाद उच्चारित किया जाता, ठीक, तो वहां विसर्ग को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अयोगवाह में, ठीक है, ये परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण है, इन परिभाषाओं से सवाल पूछा है SSSC ने, इसलिए मैं इनका जिक्र करना आपके लिए उचित समझा। अयोगवाह ऐसे वर्ण जिनकी गणना न तो स्वर में करते और न ही व्यंजन में करते, इन दोनों को अयोगवाह कहते हैं। अनुस्वार और विसर्ग आपके अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं और यह सीधा सीधा सवाल पूछा था कि निम्न में से कौन सा वर्ण अयोगवाह के अंतर्गत आता है, उसमें उसने विकल्प दिया था अनुस्वार, फिर दिया था विसर्ग,
फिर उसने दिया था तीसरा स्वर और चौथा दे दिया था विकल्प ए और बी दोनों। तो अनुस्वार और विसर्ग वर्ण दोनों अयोगवाह की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इनकी गणना न तो स्वर में की जाती है और ना ही आपकी इनकी गणना जो है व्यंजन में की जाती है। तो ये समझ गए होंगे बहुत अच्छे से, उम्मीद है कि आपको ये परिभाषाएं समझ में आ गई होंगी। अब हिंदी के व्यंजन वर्णों की ओर बढ़ते हैं। मूल रूप से इनकी संख्या केवल 33 है, व्यंजनों की संख्या मूल रूप से। अगर आपसे सवाल पूछे कि व्यंजनों की संख्या मूल रूप से कितनी है, तो 33 आपके माने जाते हैं। अब विभाजन की ओर इनमें बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज आती है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन मैंने बताया कि 5×5 की जो मैट्रिक्स होती है यह स्पर्श व्यंजन कहलाती है। का से शुरू होता है, का खा गा गा अंगा, चा छा जा झा इया, टाठा डाढ़ा आड़ा, ताथा दादा ना, पापा बाफा मा। ये 5×5 की जो मैट्रिक्स है यह क्या कहलाती है, यह आपकी जो है स्वर स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। दूसरा आता है आपका अंतास्थ व्यंजन। ठीक, तो मूल रूप से इनकी संख्या कितनी मैंने पढ़ी, कितना बताया मैंने, 33 बताया। ठीक है, तो 25 ये हो गए, इसी को समझना है 33 क्या है। चार आपके ये बनते हैं, ठीक, या रा ल व, ये चार अंतास होते और उसमें चार बनते, तो 25, 4, 29, 4, 33 यही आपके क्या हैं, यही आपके मूल व्यंजन है। बाकी चार तो इनकी सहायता से बनाए गए हैं। ठीक, द्विगुण व्यंजन है वह इसी में से आया है, समझ गए। अब स्पर्श व्यंजन क्या कहलाते हैं, इसकी परिभाषा, स्पर्श व्यंजन वह है जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ तालु जिह्वा आदि को स्पर्श करते हुए होता है, वह स्पर्श व्यंजन कहलाते। दूसरी चीज क्या पूछा है आपसे कि वर्गीय व्यंजन किसे कहते, स्पर्श व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन कहा जाता है, हमेशा दिमाग में बना लीजिए। ठीक है, अगली चीज इसके बाद अंतास्थ व्यंजन क्या है, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण स्वरों व व्यंजनों के बीच में होता है वह अंतास्थ होते हैं। ठीक है, इनकी संख्या चार है, या रा ला वा। उसके बाद इनके उच्चारण में याद रखना हमेशा जीभ तालु दांत और ओष्ठ के परस्पर मिलन से होता है, लेकिन कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होगा। स्पर्शी क्यों, इससे पहले 25ों को बोला गया, उनमें स्पर्श होता है, इनमें कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, समझ गए। तो ये आपके होते हैं अंतास्थ व्यंजन। तीसरी ओर बढ़ते हैं, इनकी संख्या को इनके उच्चारण स्थान से सवाल तो पूछता ही है, अभी आगे उच्चारण स्थान भी प्रारंभ कर रहा हूं। ये सारे जो वर्ण हैं, या वर्ण जैसे हैं, बहुत बार सवाल पूछा है, ये तालु से उच्चारित होता है और तालब भी कहलाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, रा वर्ण जो आता है इसको वर्ष व्यंजन बोलते हैं, वर्ष से उच्चारित होता है और वर्ग नाम जो है ये दंतमूल व्यंजन के अंतर्गत आता है। ठीक, तीसरा ला है, ला को भी वर्ष व्यंजन के अंतर्गत रखा गया, यह भी दंतमूल से होता है और वा जो है इसको दंतोष्ठ बोलते हैं। ठीक है, दांत और ओष्ठ से मिलकर इसका उच्चारण, और ये सभी के सभी सघोष होते हैं। ठीक, घोषत्व जिनमें हो, और साथ ही साथ ये अल्प प्राण होते हैं, यानी इनमें जो वायु हम बोलते हैं या वा र ला, मतलब बहुत कम हवा निकले तो वायु की मात्रा कम होती, इसलिए अल्प प्राण है, लेकिन सभी के सभी सघोष हैं क्योंकि दम देकर बोलते हैं इन सभी को। अब दूसरी बातें जो एग्जाम की दृष्टि से याद रखना है, इन चारों में अंतास्थ में क्या क्या याद रखना है, या वह अर्धस्वर कहलाते हैं। ठीक, इससे सवाल पूछा है, इस चीज को आपको याद रखना है। दूसरी बात, रा जो है लुंठित व्यंजन कहलाता है, बहुत बार सवाल यह आया है। ला पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। ठीक है, ला क्या है, यह पार्श्विक व्यंजन है, रा क्या है, लुंठित व्यंजन है। अब उष्म या संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं, या संघर्षी व्यंजन क्या होते, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जो वायु होती है वो जीभ तालु सबसे ऐसे मुड़ते हुए घूमते हुए नाचते हुए हर का हालचाल ऐसे लेते हुए चलती है और रगड़ खाके गर्म हो जाती, ऐसी वायु को उष्म संघर्ष, ऐसे व्यंजनों को उष्म संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। इनकी संख्या चार मानी गई है, मूल रूप से इनको तीन भी बोल सकते हैं लेकिन इनकी वास्तविक संख्या चार है। कौन कौन से बोले, शा शा सा हा, मतलब इतना वायु रगड़ गई कि वो क्या होती है, ये रगड़ खाकर गर्म हो जाती, इसीलिए इन्हें हम किस तौर पर जानते, इन्हें हम
संघर्षी के तौर पर जानते या स्पर्शी के तौर पर जो है उष्म व्यंजन के तौर पर जानते। तो आपसे सवाल पूछ सकता निम्न में से कौन उष्म व्यंजन है या निम्न में से कौन संघर्षी व्यंजन है। अब हम बढ़ते हैं जो मैंने अभी बताया अल्प प्राण और महाप्राण की ओर। व्यंजनों से जो संबंधित सवाल पूछा जाता है वह इससे भी बनता है। प्राण का अर्थ होता है वायु। प्राण का अर्थ क्या होता है? वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन दो विभेद बनते हैं। ठीक, एक विभेद अल्प प्राण कहलाता है, दूसरा आपका महाप्राण कहलाता है। तो इसकी परिभाषा से सवाल UPSSC ने पूछा है। अब इन दोनों के विभेद को सीखते हैं, इसकी परिभाषा को जानते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम सांस निकले, ठीक, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम सांस निकले वह अल्प प्राण, और जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से ज्यादा सांस निकले वह महाप्राण होते हैं। व्यंजनों में जैसे काका गागा अंगा, चाचा जाजा इया, टाटा डाडा आड़ा, ताथा दादा ना, पापा बाबा मा, पांच की सीरीज है। पांच जो आपके पढ़ते हैं इनमें पहला दूसरा तीसरा जो पढ़ता है आप बोलिए, उच्चारित करिए। आपने बोला का ख, ठीक, उसके बाद जब आप पांचवा बोलेंगे अंगा, क ख अंगा, ठीक, उसके बाद महाप्राण में बोलिए आप खा को घा को, यानी जिसको बोलने पर अंदर से ज्यादा वायु निकली। तो पहला तीसरा और पांचवा जो आपका वर्ण होता है, ठीक, पहला तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है यह अल्प प्राण होता है, और दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है यह हमेशा महाप्राण के अंतर्गत आता है। पूछता है, सीधा पूछेगा आपसे क्या कि निम्न महाप्राण वह व्यंजन होते हैं जो, ठीक, या पूछेगा हर एक वर्ग का, देखो वर्ग किसे कहते हैं उस चीज को तो मैंने आपको बताया, यहां थोड़ा सा आप क्लियर कर लीजिए वर्ग क्या कहलाएगा। हमेशा जैसे ये जो आपका बना है, ठीक है, ये जो आपके स्पर्शी व्यंजन बने हैं इसमें पहला जो वर्ण होता, ये हर एक वर्ण है, पहला वर्ण, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक। तो अब इसमें अगर मुझे बोलना है कि इस पूरे को एक साथ उच्चारित करना है तो मैं बोल दूंगा कावर्ग, ठीक। तो अगर मैंने कावर्ग कह दिया तो कावर्ग का मतलब पूरा, चावर्ग कह दिया तो मतलब पांचो, टावर्ग बोल दिया तो पांचो, टावर्ग बोल दिया तो पांचो, पावर्ग बोल दिया तो पांचो, ये इसीलिए तो इनको वर्गीय व्यंजन कहते हैं, ठीक है। आगे इसी में जैसे यहां पर मैंने आपको बताया कि अल्प, पहला, तीसरा और पांचवा जो आपका हर एक वर्ग का व्यंजन होगा, ठीक, वह व्यंजन अल्प प्राण होगा, लेकिन जो महाप्राण होंगे ये दूसरे और चौथे होंगे, ठीक। ऐसा सवाल आपसे पूछता है, आप उच्चारित करके देख लेना वहां सवाल आ जाए, ठीक। जब आप उच्चारित करोगे क ख क ख ग घा अंगा, ठीक, तो पहले तीसरे पांचवे में बड़ा कम वायु निकली, लेकिन दूसरा चौथा जब आप बोलोगे तो इसमें वायु की मात्रा ज्यादा निकलती है, इसलिए ये महाप्राण। तो पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण, दूसरा और चौथा आपका महाप्राण होता है, दिमाग में इसको रख लीजिए कॉन्सेप्ट के हिसाब से। उसके बाद यारा लावा जो होते हैं ये अल्प प्राण के अंतर्गत है, मैंने इससे पहले ही बताया, और शा शा शाहा ये सभी आपके महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया प्राणत्व के आधार पर, अब घोषत्व के आधार पर क्या ऐसे वर्णों का विभाजन होगा। घोषत्व का आधार मतलब होता है कि स्वर तंत्रियां जो हैं उनमें कंपन कितना होता है, उन्हीं को घोषत्व की मात्रा बोलते हैं। तो घोषत्व के आधार पर वर्णों, हमेशा याद रखना कि जब किसी वर्ण को बोलें और उसके बोलने में स्वर तंत्रियों में कंपन हो तो वह क्या होगा, वह आपका घोष वर्ण या सघोष वर्ण के अंतर्गत आएगा। घोष या सघोष बोलते हैं, ठीक है, जिन वर्णों को उच्चारित करने पर स्वर तंत्रियों में कंपन है वह घोष होंगे। जैसे आपका पहला और दूसरा जो वर्ण होते हैं का खा, ये दोनों के दोनों किसके अंतर्गत होंगे, इनको बोलेंगे तो बहुत आसानी से आपकी सारी चीजें उच्चारण होगा, तो ये सभी के सभी अघोष के अंतर्गत हैं, इनको बोलने में स्वर तंत्रियों में कोई कंपन नहीं होगा, क ख, लेकिन आप बोलोगे गा घा अंगा, अब स्वर तंत्रियों में ज्यादा कंपन हुआ तो पहला दूसरा जो होता है हर एक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन यह क्या होता है, यह अघोष होता है, लेकिन हर एक जो आपका वर्ग है उसका तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन सघोष होता है। इसी में कंफ्यूजन बनी रहती, वहां तीसरा, चौथा, पांचवा, यहां पर पहला, दूसरा, तीसरा और आपका
वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस हिसाब से विभाजन है। तो इन दोनों से सवाल पूछता है कि अघोष क्या है, सघोष क्या है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। हा जो है, हा आपका घोष वर्णों के अंतर्गत है। हा बहुत ज्यादा चीजें निकलती हैं वायु की मात्रा, याद रखना। अब वर्णों के उच्चारण के स्थान की ओर बढ़ते हैं। वर्णों के उच्चारण के स्थान में यूपी 88 से जो सवाल पूछा गया है, इसमें सवाल बहुत अलग अलग टाइप के बने हैं, ठीक है। जैसे स्वरों का वर्गीकरण अगर यहां पर समझते हैं हम, तो स्वरों का वर्गीकरण तीन आधार पर होते हैं, कौन कौन से, ठीक है, तीनों को पढ़िए। पहला वर्गीकरण होता है जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर, दूसरा होता है इस जिह्वा की स्थिति के आधार पर, तीसरा जो होता है यह होठों की आकृति के हिसाब से होता है। तीन प्रकार के आपके वर्ण बनते हैं इसमें, स्वर तीन प्रकार के होते हैं उच्चारण के आधार पर, ठीक। अब एक एक को मैं आपको बहुत ढंग से समझाता हूं, समझिए एक एक को। जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर जब स्वरों के भेद को देखते हैं तो इसको चार प्रकार के वर्गों में विभाजित करते हैं, समृत, अर्ध समृत, उसके बाद आपका विवृत जो है, अर्ध विवृत और विवृत हो जाता है, कहीं कहीं तीन लिखा मिलेगा, समृत, अर्ध समृत, विवृत, ठीक है। लेकिन वास्तविक रूप से चार विभेद होते हैं। ये किसके आधार पर है? जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर। जिह्वा आपकी कितनी कैसी कैसी ऊंचाई पर जाती है, इनको समझिए। समृत स्वर क्या है? समृत स्वर वह होते हैं, परिभाषाओं से सवाल पूछा गया इसीलिए मैं बता रहा हूं, समृत स्वर वह होते जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का जितना अधिक भाग ऊपर उठता है उससे वायु उतनी ही संकुचित होकर, जिह्वा जितनी ऊपर जाएगी तो वायु उतना ही तो कम होगी, संकुचित होगी, यानी उससे वायु उतना ही संकुचित होकर बिना रुकावट के बाहर निकले, ठीक। ये स्वर आपके समृत स्वर कहलाते हैं। तो आपसे ऐसा भी सवाल पूछ सकता है, मान लीजिए परिभाषा ना पूछा, आपसे पूछ ले निम्न में से कौन समृत स्वर के उदाहरण है। समृत स्वर में आपके चार आते हैं, इ ई उ ऊ, बोलिए आप, जी भी ऊपर नीचे जाएगी ना, तो यह आपका समृत स्वर है। दूसरा बात करते हैं अर्ध समृत क्या होते हैं। अर्ध समृत में यानी जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का भाग थोड़ा कम ऊपर उठे वो अर्ध समृत होते हैं। कैसे? इनमें जो आपके मुख्य रूप से वर्ण है वह ए और ओ है, ए और ओ को अर्ध समृत स्वरों के, मतलब स्वरों के अंतर्गत रखा जाता है। तीसरा विभेद इसका होता है अर्ध विवृत का। अर्ध विवृत मतलब जो अर्ध समृत से कम जीभ आपकी उठती है वह अर्ध विवृत होता है, ठीक। इसके अंतर्गत जो वर्ण है ये आ ए और ओ हैं, ठीक, आ ए और ओ हैं, ये अर्ध विवृत कहलाते हैं, ठीक है। इसमें मुख विवर आपका खुला रहता है, मुख विवर, ठीक, ये खुला रह जाएगा। आप बोलिए अ ए ओ, इनमें मुख आपका खुला रहेगा, लेकिन ई ऊ बोला आपने, मुख खुला नहीं ना, तो ये इसकी ऐसी पहचान होती है। विवृत क्या है? विवृत वो होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा आपकी क्या होती है, मध्य में स्थित हो जाए, बीचों बीच में स्थित हो जाए, वो स्वर आपके विवृत स्वर कहलाते। इसमें मुख विवर पूरा खुला रह जाएगा और ऐसे उच्चारित स्वर को विवृत कहते हैं। जैसे आ, आप बोलोगे ना आ, तो पूरा मुंह खुला रह जाएगा, ठीक। अब दूसरा प्रकार देखते हैं, जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते। जिह्वा की स्थिति के आधार पर अगर स्वरों के विभेद देखा जाए, सवाल भाई सभी से पूछे हैं तो हमेशा याद रखना तीन भेद इसके होते हैं। जिह्वा की स्थिति के हिसाब से स्वरों के तीन भेद बनते हैं, कौन कौन से। पहला बनता है अग्र स्वर, जो स्वर आपके जीव के सबसे अगले भाग से उच्चारित होते वह अग्रस्वर कहलाते। कौन कौन से इसके अंतर्गत हैं? हिंदी में ई और ए ए, ई और ए ए जो हैं, ये चार अग्रस्वर के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद अग्र के बाद आपका दूसरा होता है मध्य स्वर। मध्य स्वर जो स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का मध्य भाग आपका कार्य करता वह मध्य स्वर कहलाते। अब आप कहोगे सर जी जीव का मध्य भाग, उच्चारित करिए इसमें अ, जो आपका अ है इसमें बीच वाली जीभ के मिडिल पार्ट पर दबाव पड़ेगा आपको, ठीक। और ये क्या है? ये आपका मध्य स्वर है। तीसरा होता है पश्च स्वर। पश्च स्वर का मतलब जिनके उच्चारण में जीभ का पिछला हिस्सा आपका कार्य करता है वह पश्च स्वर होते हैं। अब इनमें कौन कौन से हैं? आपका उ ऊ ओ ओ, ठीक, बोलिए, जीव का सबसे पिछला हिस्सा आपका कार्य करेगा और यह पश्च स्वरों के अंतर्गत है। अब तीसरा विभेद होठों की आकृति के आधार पर क्या होता है। किसी स्वर के उच्चारण में होठों की अगर हम आकृति देखें, किसी में होठ पूरा खुलेंगे भैया
किसी में थोड़ा खिलेंगे और किसी में एकदम नहीं खुलेंगे। तो होठों की आप जो है आधार पर अगर देखें, यहां पर जो वर्गीकरण किया गया है जिसमें दो विभेद बनाए गए हैं मुख्य रूप से, वो कौन कौन से हैं कि जिसमें होठ पूरा खुलेगा, जिसमें कम खुलेगा, इन सभी के आधार पर होठ की गोलाई को देखा जाता है। एक गोलीय बनाया गया, दूसरा अगोलीय बनाया गया। तो समझिए गोलीय क्या है, जब ऐसे वर्णों का उच्चारण करें जब जो है हमारे होंठ ठीक गोलाकार स्थिति में बन जाए, इनको सबको क्या बोलते हैं, गोलीय वर्ण बोलते हैं। इसके अंतर्गत कौन सा है, जैसे आपका उ, आप बोले उ, तो गोल गोल होंठ बना ठीक। दूसरी चीज ओ ओ, आप बोलोगे ओ ओ, तो आपका गोल गोल जो है होंठ बन गया। और एक अंग्रेजी का यह शब्द है ठीक, जैसे आप बोलते हो ऑफिस ठीक, ऑफिस नहीं होता ऑफिस, बॉल ठीक। तो ये ओ वाली जो चीज है, ना तो ये ओ है ना तो ओ है, दोनों के बीच में है ठीक। तो इन सभी को क्या बोलते हैं, ये गोलीय व्यंजन के अंतर्गत आते हैं गोलीय वर्ण के। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसका बाद अगोलीय है। अगोलीय क्या होते हैं, अगोलीय मतलब जिनके उच्चारण में कभी भी स्वर आपके होंठ जो है ये गोलाकार ना हो, इनको अगोलीय बोलते हैं। कैसे, जैसे आप बोल के देख लो अ इ उ उ, इसमें जो आपके मतलब होंठ होंगे ये गोलाकार नहीं बनते हैं ठीक है। अब हम बढ़ते हैं व्यंजन ध्वनियों के वर्गीकरण की ओर। व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण जो है इससे पहले भी मैंने बता दिया है, हालांकि उच्चारण स्थान के आधार पर आप सीख सकते हैं कि व्यंजन ध्वनियां किन के किन के। देखो द्वयोष्ठ व्यंजन होते हैं, दंतोष्ठ होते हैं, दंती होते हैं, वर्ष होते हैं, मूर्धन्य होते हैं, तालव्य होते हैं, और कंठ होते हैं, काकल्य होते हैं। इतने प्रकार के व्यंजन आपके को पढ़ने होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब एक एक करके सारी चीजों को सुनते हैं, मतलब परिभाषाओं को पढ़ते हैं। द्वयोष्ठ व्यंजन क्या होते हैं, जाहिर सी बात है जिनमें दोनों होठों का प्रयोग हो उच्चारण में वो द्वयोष्ठ है। अब कहेंगे कौन से हैं, पावर्ग चले जाओ, पापा बाबा मा, पापा बाबा मा, इनमें जब आप बोलोगे तो इनमें दोनों होठों का काम हुआ, तो ये सभी आपके द्वयोष्ठ हैं, साथ ही साथ वा को भी द्वयोष्ठ के अंतर्गत रखा गया है। इसके बाद दंतोष्ठ किसको बोलते हैं, यानी जिसमें ऊपरी दांत और आपके होठों का प्रयोग हो वो दंतोष्ठ कहलाते। कौन कौन से हैं ये दंतोष्ठ में, हमेशा याद रखिएगा हिंदी व्यंजन में कभी भी दंतोष्ठ व्यंजन नहीं पाए जाते, इसको फारसी में प्रयोग किए जाते हैं, फा, फारसी का जो फा है उसका प्रयोग इसमें होता है। यहां पर आपको हिंदी में इन चीजों को नहीं याद रखना। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ आपके हिंदी भाषा वैज्ञानिक वा को बोलते हैं, लेकिन वा इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तीसरा जो है वर्ष व्यंजन, ये क्या होता है भैया, बार बार नाम, वर्ष का अर्थ होता है मसूढ़ा भैया ठीक। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते हम कहां से, मसूड़ों से करते हैं ठीक है, वो ने वर्ष व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण जब आप करोगे तो जिह्वा जो है मसूड़ों को छुएगी, कहोगे सर जी ये कैसे, उदाहरण देख लो भैया, उदाहरण आपके सामने क्या है, जैसे पहले की जो दंत ध्वनियां हैं ठीक, जो दांतों से पहले बोल, जिनका उच्चारण स्थान दांत रखा गया था, जिनको दंत बोला गया था, आज उन सभी ध्वनियों को संस्कृत व्याकरणों ने क्या कर दिया, सभी को वर्ष बोल दिया है ठीक है, इनको याद रखिएगा। उसके बाद दंत व्यंजन क्या है, ये बताया मैंने कि आज जो आपके ताथा दाधा ना है, तो जब ताथा दाधा ना बोलोगे तो जीभ ऊपर टकराती है, मसूड़ों को छूती है कि नहीं, बताओ। तो दंत व्यंजन को क्या किया गया, अब वर्ष व्यंजन बोला जाने लगा। तो चाहे दंत बोला जाए चाहे वर्ष बोला जाए, जीभ आपकी मसूड़ों को छुएगी। तावर्ग पूरा का पूरा क्या है, दंत है या वर्ष व्यंजन के अंतर्गत आता है। इसके बाद बढ़ते हैं मूर्धन्य में। मूर्धा मैंने बताया कि जो हमारे मुख का ऊपरी भाग होता है ऐसे मुड़ा हुआ ठीक है, इसमें जब जीभ टच करती है तो वह मूर्धन्य कहलाते। टावर्ग बोल दो पूरा का पूरा, टाटा टाटा अड़ा ठीक है, ये सारे के सारे आपके क्या होंगे, टकराएगी। उसके बाद तालब भी क्या होते हैं, तालब भी मतलब तालु ठीक, कंठ से ऊपर बढ़ते हो तो तालु आता है। तालु में जीभ जब इनका जो है अगला भाग तालु को छुएगा, जब इनके उच्चारण को, कौन कौन से, चावर्ग पूरा, चाचा चाचा अंगा, चाचा चाचा इया, चाचा चाचा इया ठीक, हमने बोला यहां पर सारी चीजें आती है ठीक। तो ये और साथ ही साथ इसमें या और आपका श, ये सभी के सभी किसके अंतर्गत है, तालव्य के अंतर्गत आते हैं।
इसके बाद आपका एक आता है कंठ। कंठ मतलब जिनका उच्चारण कंठ से हो, जीभ का आपका पिछला भाग कोमल तालु को छुए, इसीलिए कुछ भाषा वैज्ञानिक कंठ जो आपकी ध्वनि होती है इनको कोमल तालव्य व्यंजन मानते हैं, कुछ मानते हैं, सभी नहीं। काखा गागा अंगा जो है यह आपकी कंठ ध्वनियां है। एक आपका बसता है काकल, यह सवाल कई बार आया है। काकल भैया जिनका उच्चारण काकल जो है काक से किया जाए उनको काकल्य बोलते हैं। काक वैसे कहीं कहीं कंठ भी लिखा होता, लेकिन यहां काकल्य कहने का अर्थ है कि जिनको उच्चारित करते समय स्वर तंत्रियों में क्या हो, कंपन हो। इसके अंतर्गत केवल हा रखा गया, अभी बहुत जल्द कोई परीक्षा थी उसमें भी काकल्य वर्णों को पूछा था, ट्रिपल एससी। अब उच्चारण प्रयत्न के आधार पर देखते हैं, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्पर्श होता है, इसके बारे में मैंने बता दिया कि जी भाव की क्या करें, सबको टच करते हुए रहे वो स्पर्श ध्वनियां होंगी, ठीक। उसके बाद स्पर्श संघर्षी, ये सवाल कई बार पूछा है, ठीक है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीभ जो है उच्चारण स्थान को स्पर्श करती, इनको स्पर्श संघर्षी बोलते हैं। कैसे, चा छा जा झा, ये ध्वनियां स्पर्श संघर्षी होती है, ये सवाल कई बार आपका आया है। इसके बाद होता है संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन और स्पर्श संघर्षी में अंतर है, याद रखना, ठीक। स्पर्श संघर्षी मतलब जो स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत संघर्षी है उनको बोला गया। जो संघर्षी व्यंजन है ये आपके चार हैं जो मैंने आपको इससे पहले भी पढ़ाए हैं कि सा सा साहा, ये संघर्षी होते हैं। पार्श्विक व्यंजन क्या होते हैं, ये सवाल भी कई बार आया है। पार्श्विक का अर्थ होता है कि जिनके उच्चारण में जिह्वा दंत अथवा वर्ष यानी मसूड़ों को छू ले वो पार्श्विक व्यंजन कहलाएंगे। पार्श्विक के अंतर्गत मैंने बताया भी है केवल ला व्यंजन है, ठीक है। ला बोलिया, ला जीभ जाकर के मसूड़ों को छुई तो ये क्या है, ये पार्श्विक व्यंजन होता है। लुंठित व्यंजन क्या होता है, लुंठित व्यंजन वह होता है जिसमें जीभ एक या अधिक बार मसूड़े के स्थान को टच करती है, एक से ज्यादा बार टच करे। आप बोलिए रा, रा बोलिए रा, तो जीभ कई बार टच करती है ना मसूड़ों को, तो ये चीजें आपकी लुंठित व्यंजन कहलाती है। उच्छिप्त क्या होते हैं, ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ आपकी झटके के साथ क्या करती है, ऊपर की ओर जाती है, इनको उच्छिप्त बोलते हैं। यहां जो संस्कृत अपने हिंदी में, ठीक है, अड़ा और एक तरीके से अड़ा है, ये क्या है, ये उच्छिप्त व्यंजन है। इसके बाद नासिक की आते हैं, यानी जिनके उच्चारण में वायु जो है मुख विवर से, ठीक, अवरुद्ध होकर नासिका विवर से निकले, मुख विवर से अवरुद्ध हो जाए नासिका से निकले, वो आपके क्या होते, वो सभी की सभी ध्वनियां नासिक की कहलाती हैं। नासिक की में हमेशा ध्यान रखिएगा जो पांचवा वर्ग है, ठीक, अंगा या, ठीक, नामा, ये सब क्या है, ये सभी की सभी ध्वनियां आपकी नासिक की होती है, ठीक है। हिंदी में इन्हें महाप्राण नासिक ध्वनियों का शब्द के आरंभ में कभी भी प्रयोग नहीं होता है, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अर्धस्वर क्या होते हैं, यह सवाल भी पूछा, अभी जल्द ही पूछा था। अर्धस्वर यह होते कि जिनके उच्चारण समय जिह्वा एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर सरकती है, वायु मुख विवर को किंचित सकरा बना दे, ऐसी ध्वनियां आपकी अर्धस्वर। अर्धस्वर केवल दो हैं, या और वा को अर्धस्वर कहते जो है कहते हैं। अब सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, इतना तो कुछ मैंने पढ़ा दिया। सबसे बेस्ट तरीका इनके उच्चारण स्थान को ध्यान रखने का है क्या, आप संस्कृत व्याकरण को पढ़ लीजिए। इसमें कुछ आपके फार्मूले हैं, कौन कौन से, नौ सूत्र इसमें आते हैं, नौ सूत्रों को आप पढ़ लीजिए, पूरा आपका व्याकरण जो है अच्छे से आ जाएगा, उच्चारण स्थान हो जाएगा। पहला इसमें फार्मूला है अकुह विसर्जनिया नाम कंठ। अकुह अकुह मतलब का वर्ग, ठीक, और हा ये सभी किसके अंतर्गत हैं, कंठ के स्थान। वैसे हा इसके अंतर्गत नहीं होगा क्योंकि हा को काकल्य बोलते हैं, ठीक है, कंठ और काकल्य में फर्क है। यानी आ कावर्ग, कावर्ग का मतलब पूरा दा, ठीक है, दा नहीं होगा, हा तथा विसर्ग का उच्चारण कंठ से होता है, इनको कंठ कहते हैं, ठीक है। दूसरा फार्मूला क्या है, इचू सयानाम दालुह, इचुह यानी ई चा वर्ग और साथ ही साथ कौन, या और सा, ये सभी के सभी इनका उच्चारण तालु से होता है, इसीलिए इनको तालव्य वर्ण कहते हैं। तीसरा सूत्र क्या है, ऋटु रणासा रसाणाम मूर्धा, यानी ऋटु मतलब री
टा वर्ग पूरा का पूरा रा, इन सभी का उच्चारण कहां से होता है? मूर्धा से होता है, इसलिए ये सभी ध्वनियां आपकी मूर्धनि कहलाती। उसके बाद चौथा है लृतु लसा नाम दंता, लृतु लसा नाम दंता यानी लृ, हालांकि अब ये कहीं वर्ण रह नहीं गया है, उसके साथ ही साथ ता वर्ग, ला तथा सा का उच्चारण स्थान दांतों से होता है, इसीलिए इन सभी को दंत वर्ण कहते हैं। अगला है उपोपध्या नियनामोष्ठो, उपोपध्या नियनामोष्ठो यानी ऊ पा वर्ग पूरा का पूरा, ठीक है, इन सभी का उच्चारण ओष्ठ से होता, ये सभी आपके ओष्ठ वर्ण कहलाते। इसके बाद छठा फार्मूला है पंचमाक्षरे नासिकाचा, हर एक वर्ग का पांचवा अक्षर नासिका नासिक की होता है, इनका उच्चारण स्थान नासिका होती है, ठीक है। अगला है आठवां आपका एदयतो कंठतालु, एदयतो कंठतालु मतलब दोनों ए, मतलब ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु से होता, इसीलिए इनको हम कंठ तालब ध्वनि बोलते हैं। नवा जो तरीका है आपका नवा सूत्र है वकारस्य दंत ओष्ठम, यानी वा का उच्चारण स्थान दांत और ओष्ठ दोनों से होता है, इसीलिए इसको दंतोष्ठ ध्वनि बोलते हैं। तो उम्मीद है पूरी की पूरी व्याकरण की वर्णमाला आपको, उनके उच्चारण स्थान आगे से कभी भी किसी परीक्षा में आप गलत नहीं करेंगे। लेक्चर जैसा समझ में आया हो अच्छे अच्छे कमेंट करिए, लगातार जो लोग अभी भी एडमिशन नहीं लिए हैं, ठीक है, जल्द ही पूरी कक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी, 100+ टेस्ट आपके प्रारंभ हो जाएंगे, ऐसे ही पूरी विधिवत ढंग से हर एक टीचर पढ़ा रहा है, हर एक फैकल्टी पढ़ा रही है, तो आप सभी को लोवर के प्रोग्राम से जुड़ जाना है, क्योंकि भैया हमेशा तैयारी तभी होती जीत, सफलता तभी मिलती जब तैयारी एक सही आपके ईमानदार टीम के साथ आप जुड़ते हैं। टीम पूरी रूप से मेहनत करती है, हर एक जो टीम की फैकल्टी है अपना बेस्ट देती है, तो आप सारे लोग बिना किसी संकोच के कुछ भी आपको इनमें जानना है, लोवर के आपको कोई इंक्वायरी करनी है 9450006007 पर 24x7 कॉल कर सकते हैं, और सारे के सारे लोग फुल कोर्स से जुड़िए। मान लीजिए आप नहीं देने जा रहे परीक्षा, तो आपके जो हित मित्र हैं जो किसी क्रैश कोर्स के बारे में सोच रहे, संपूर्ण मटेरियल 100+ टेस्ट, हर टेस्ट की व्याख्या, पूरे के पूरे मटेरियल, सारगर्भित चीजें, सब कुछ इतना व्यापक तौर से उपलब्ध करा रहे कि इनको पढ़ने के बाद आप स्वयं से कहोगे कि मेरा आत्मबल बोल रहा कि इस बार सिलेक्शन लेके रहूंगा। तो एक बार फिर मिलेंगे, तब तक आगे ऐसे ही लगातार निरंतर कक्षाओं के साथ, सभी को तब तक के लिए धन्यवाद।